हेलो एवरीवन वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन एंड नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द चैप्टर वेक्टर और अभी हम कर रहे हैं स्पेशली के वी एस एन वी एस एंड इस ये कह लीजिए कि एन डी एल लेवल्स के क्वेश्चन अभी हम यहाँ पे करने जा रहे हैं आपको और अब टॉपिक हमारे पास जो चल रहा है वो क्या चल रहा है टॉपिक हमारे पास चल रहा है वैक्टर एल्जबरा ओके सो फेकस हम फोकस हम किस चीज़ पे किस चैप्टर पे करने जा रहे हैं दोस्तों वैक्टर एल्जबरा पे तो आइए देखते हैं कुछ बेहतरीन क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में ऑलरेडी आ चुके हैं ये देखिए ये क्वेश्चन नंबर सेवन आपके पास में है इसके पहले क्वेश्चन नंबर सिक्स तक मैं करवा चुका हूं क्वेश्चन नंबर सेवन क्या कह रहा है आपको देखिए ओके सो क्वेश्चन नंबर सेवन कह रहा है इफ ए वैक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड फिफ्टी मतलब आपके पास एक अननोन वैक्टर जिसका मैग्नीट्यूड फिफ्टी है विच इज कोलिनियर विद द वैक्टर दिस ओके कोलिनियर है इस वैक्टर के साथ है. एक अननोन वैक्टर है आपके पास में जिसका मैग्नीट्यूड फिफ्टी है फिफ्टी है और वो इस वैक्टर के साथ कोलिनियर है एंड मेक्स एक्यूट एंगल विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ जेड जडेक्सेस और जो कि जेड एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ जेड एक्सेस की पॉजिटिव डायरेक्शन क्या होती है के कैप होती है जेड एक्स की डायरेक्शन क्या होती है के कैप उसके साथ क्या बना रहा है एक्यूट एंगल बना रहा है तो आपको वेक्टर बताना है कि कौन सा होगा तो देखो भाई टेस्ट से भी कर सकते हो तो बहुत ज़्यादा मेहनत पड़ जाएगी टेस्ट से क्योंकि तीन चीज़ें हैं यहाँ पर मैग्नीट्यूड फिफ्टी है और इसके कोलिनियर है तो पैरालिटी भी चेक करनी पड़ेगी देन इसके बाद एक्यूट एंगल जेड एक्सेस से है तो तीनों का एंगल चारों ऑप्शंस का एंगल चेक करना पड़ेगा जो कि बहुत लंबा हो जाएगा है ना तो आइए इसको करते हैं किस तरीके से तो सबसे पहले आपके पास कही गई है बात किसके कि वैक्टर है तो वैक्टर आपने मान लिया सपोज वैक्टर ए इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप आपने ये वेक्टर सपोज कर लिया दिस इज द वेक्टर एंड कहा गया कि इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 50 है तो ये यह अपने मैग्नीट्यूड निकाल लिया दिस अंडरुड एक्स स्क्यर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू फिफ्टी एंड वन मोर थिंग दिस वैक्टर इज कोलिनियर विद वैक्टर बी अगर एक कोलिनियर है तो पैरल तो होगा तो मैं लिख सकता हूँ वैक्टर ए इक्वल्स टू लैमडा वैक्टर बी

अब दोनों तरफ का आप मॉड ले लीजिए ओके आपने दोनों तरफ का क्या ले लिया मॉड ले लिया सो अंडरवुड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू यहाँ पर भी मॉड लेंगे तो देखिए लेमडा स्क्वायर बाहर आ जाएगा और रूट के अंदर सॉरी बाहर तो नहीं आएगा रूट के अंदर ही रहेगा ओके लेमडा बाहर आएगा ओके रूट के बाहर कितना आएगा लेमडा बाहर आएगा और सिक्स का स्क्वायर थर्टी सिक्स प्लस एट का स्क्वायर फिफ्टी फोर और माइनस का प्लस हो जाएगा ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव अपॉन फोर इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास लेमडा की वैल्यू आ जाएगी देखिए लेमडा की वैल्यू कितनी आ रही है प्लस माइनस फोर ओके okay. अब आपके पास दो चॉइस है अब देखिए क्वेश्चन है क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है कि आपका जो जेड एक्सेस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में बनाया गया एंगल है वो कितना है एक्यूट एंगल है एक्यूट एंगल के लिए आपको पता होगा ए डॉट बी क्या हुआ करता है पॉजिटिव ओके okay. आपके पास एक्यूट एंगल के लिए क्या होता है ए डॉट बी पॉजिटिव किसके साथ एंगल है बी के साथ ओके okay. और हमारे पास जो वेक्टर ए आया है वो कितना आया है लेमडा वेक्टर बी सो लेमडा वेक्टर बी का बी के साथ ओके लेमडा वैक्टर बी का बी के साथ जो एंगल है वो क्या मिल रहा है आपको पॉजिटिव मिल रहा है देखिए लेमडा वेक्टर बी का बी के साथ तो बी तो आपको पता है एंड लेमडा आपके पास आ चुका है सॉरी बी तो आपको दिया हुआ है बी कितना आपके पास में देखिए क्वेश्चन में एक बार बी आपको दिया गया सिक्स आई कैप माइनस एट जे कैप माइनस फिफ्टीन बाई टू के कैप ओके सिक्स आई कैप माइनस एट जे कैप और माइनस फिफ्टीन बाई टू के कैप ये आपके पास वेक्टर भी है अब कह रहा है जिस वेक्टर का आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ए इक्वल्स टू लेम्डा वैक्टर बी का मल्टीप्लाई कर रहे हो ओके सो so, लेमडा वैक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ करोगे वैक्टर बी के साथ और अगर एक्यूट एंगल है तो वो क्या आना चाहिए पॉजिटिव ओके किसके साथ जेड डायरेक्शन के साथ ओके जेड डायरेक्शन के साथ तो लेमडा वैक्टर भी किसके साथ बना रहा है एंगल सॉरी बी के साथ नहीं बना रहा है जेड डायरेक्शन के साथ तो लेमडा वैक्टर भी जेड डायरेक्शन का यूनिट वैक्टर क्या होता है के कैप और ये आना चाहिए पॉजिटिव तो देखो बी के पास जो बी है आपके पास में लेमडा वैक्टर बी क्या बनेगा मतलब आपका जो वैक्टर ए है ना वैक्टर ए ही तो लेमडा वैक्टर बी है तो ए का लेमडा वैक्टर बी क्या बनेगा ध्यान से देखो सो so, वैक्टर ए इज इक्वल टू लेमडा वैक्टर बी इज इक्वल टू लेमडा सिक्स आई कैप माइनस एट जे कैप माइनस फोर बाई टू सॉरी 15 बाई टू के कैप अब आप इस चीज़ को ये समझो कि आपका जो 15 बाई टू है ना ये वाला टर्म इसका पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है इसका जो है 15 बाई टू का पॉजिटिव होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्यों ज़्यादा जरूरी है भाई इसलिए ज़रूरी है कि अगर ये पॉजिटिव नहीं हुआ अगर ये पॉजिटिव नहीं हुआ तो ये चीज़ कभी पॉजिटिव नहीं आएगी तो आपको देखो लैमडा की वैल्यू आपके पास दो चीज़ें हैं एक प्लस फोर है और एक माइनस फोर है तो अगर आप यहाँ पे लेमडा की वैल्यू माइनस फोर रखते हो तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस जिसका एडवांटेज ले करके आपके पास ये आ जाएगा ग्रेटर देन ज़ीरो तो करेक्ट आंसर के लिए आपको लेमडा की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी यहाँ पे माइनस फोर सो so इस फॉर्म से आपका आंसर लेमडा इक्वल टू माइनस फोर रखने पर आ जाएगा ए कैप यानी ए वेक्टर जिसको आप बोल रहे थे इक्वल टू लेमडा बी तो लेमडा की जगह माइनस फोर एंड बी वैक्टर आपका ये पूरा का पूरा सो दैट इज इक्वल टू माइनस ट्वेंटी फोर आई कैप प्लस थर्टी टू जे कैप एंड थर्टी की कैप इस तरीके से आपका आंसर आ चुका है जो कि बहुत ही प्यारा क्वेश्चन वेरी गुड क्वेश्चन ओके गाइस चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते देखिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पे क्या पूछा गया फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन अ प्लेन विच मेक एन एंगल 30 डिग्री विद आई के प्लस जीकेब एंड सिक्सटी डिग्री विद आई केप माइनस जीकेब मतलब आपको एक वैक्टर यहाँ पे एक प्लेन में डिजाइन करना है ओके <coughs> okay, जो कि थर्टी डिग्री एंगल बनाता है विद ए वैक्टर आई के प्लस जीकेब और दूसरा वेक्टर बनाता है आपके पास 60 डिग्री विद आई कैप एफ मैनेस कैप तो मान लिया आपने कि जो आपके पास वेक्टर है दैट इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप आपने वेक्टर मान लिया ओके तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप आपने क्या मान लिया अपना वेक्टर अब आइए इसको सॉल्व करते हैं सो so, देखिए आपके पास लेट द रिक्वायर्ड यूनिट वैक्टर रियल रिक्वायर्ड यूनिट वैक्टर क्योंकि क्वेश्चन में यूनिट वैक्टर बोला है कि एक्स आई के प्लस वाई जे कैप सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू वन ये आपके पास एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन बन गई है नाउ जो जो वैक्टर है आपका कितना एंगल बना रहा है एक्सआई कैप प्लस वाई जे कैप के साथ कितना बना रहा है थर्टी डिग्री सो थर्टी डिग्री एंगल के लिए कंडीशन लगा दीजिए आपको पता है कि आपकी जो फॉर्मूला हुआ करता है क्या होता है कॉस थीटा इज इक्वल्स टू वैक्टर ए डॉट वैक्टर बी अपॉन मॉड ए मॉड बी तो आपके पास में यहाँ पर कॉस्ट थर्टी डिग्री किसके बीच में बन रहा है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप डॉट जो दूसरा वेक्टर है आपके पास क्या है आई कैप प्लस जे कैप और यदि पहले का मॉड देखा जाए तो यूनिट वेक्टर है तो वन ही आएगा और दूसरा वेक्टर अंडर रूट टू आ जाएगा ओके सो इस तरीके से देखिए ये आई कैप आई कैप वन हो जाएगा जे कैप जे कैप वन हो जाएगा तो कॉस्ट थर्टी इज इक्वल टू रूट थ्री बाई टू इज़ इक्वल टू कितना आ गया आपके पास में एक्स प्लस वाई एप रूट टू और ये रूट टू का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो सिक्स बाई रूट सिक्स बाई टू तो ये आपके पास पहली इक्वेशन आ चुकी इक्वेशन नंबर वन ओके दूसरा देखिए सी वेक्टर जो है आपने जिसको माना है सी वेक्टर वो कितना एंगल बनाता आई माइनस जे के साथ 60 डिग्री सो अगेन कॉस 60 डिग्री इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो एक्स माइनस बाई एपन अंडर रूट वन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर तो यहाँ पे आ जाएगा वन अपॉइंट टू और सॉल्व करने पर वन अपॉइंट टू इक्वल टू एक्स माइनस वाई अपॉइंट टू तो एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू वन बाय रूट टू अब आपके पास दो इक्वेशन बन चुके हैं एक बन चुका है आपके पास एक्स प्लस वाई इक्वल टू सिक्स बाई रूट टू और एक्स माइनस वाई इक्ल टू वाई टूट टू तो यदि इसको आप ऐड कर देते हैं तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू सिक्स बाय रूट टू और एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू वन बाय रूट टू यदि आप इसको एड कर देते हैं सो टू एक्स एंड वाई टू वाई कैंसिल हो गया सिक्स प्लस वन ओके हाउ मच इट इज़ सिक्स प्लस वन इज़ इक्वल टू सेवन एक मिनट जी एक मिनट सिक्स बाय रूट टू प्लस वन बाय रूट टू ये तो यहाँ पे x माइनस वाई है एड हो गया सो so, यहाँ तो कुछ अलग ही आ रहा है एंड सिक्स बाय रूट टू प्लस रूट टू बाई फोर आ रहा है ओके 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 देखिए यहाँ पे मुझे मिस्टेक हो गई बिकॉज यहाँ पे टू है और मैंने यहाँ पे रूट टू लिख दिया तो इस वजह से गलती हो गई सो सॉरी बच्चों एक बार इसको सही सिम्पलीफाई करता हूँ मैं तो देखिए एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कितना आ गया है अंडर रूट सिक्स बाई टू ओके और uh, x माइनस वाई इक्वल टू कितना है वन अपॉन रूट टू तो यदि आप इसको ऐड कर देते हैं तो y से y कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा सिक्स बाई टू प्लस वन बाई रूट टू ठीक है तो इसका एलसीएम ले लोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास में सिक्स बाई टू प्लस वन बाई रूट टू दो आपके पास ऑप्शन आए थे ना तो इसका एल आप यदि ले रहे हैं तो आपके पास सिक्स प्लस रूट टू बाई फोर चलो यार इसको थोड़ा मैं सॉल्व कर लेता हूँ थोड़ा सा मन में मेरे को डाउटफुल सिचुएशन लग रही कि इसका आंसर सही है कि गलत है तो इसको अपन सॉल्व ही कर लेते हैं ओके ओके डन फाइन सो x प्लस वाई इज इक्वल टू हमारे पास कितना है सिक्स बाई रूट टू यदि मैं सिक्स बाई रूट टू को लिखना चाहूँ तो टू का यदि मैं रूट टू को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूँ तो सिक्स रूट टू बाई टू भी हो जाएगा ये हुँ? रूट सिक्स बाई टू था ना तो रूट सिक्स बाई टू है तो रूट सिक्स बाई टू ही रह भाई ओके देखिए क्या कर रहा हूँ मैं एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू आपके पास में है रूट सिक्स बाई टू एंड एक्स माइनस वाई जो है आपके पास में है वन बाई रूट टू तो मैं ये कह रहा हूँ वन बाई रूट टू को अगर मैं रूट टू का मल्टीप्लाई यहाँ कर दूँ और रूट टू का मल्टीप्लाई यहाँ कर दूँ ओ हो बिल्कुल सही है भाई नीचे टू एक्स भी तो आएगा ना वो वाला टू है फालतू चिंता कर रहे हैं हम लोग यार ओके okay. चलो ऐड कर दो तो वाई से वाई कैंसिल ये हो गया टू एक्स और रूट सिक्स बाई टू रूट टू बाई रूट टू हो जाएगा तो कितना हो जाएगा अंडर रूट सिक्स प्लस अंडर रूट टू अपॉन में कितना हो जाएगा रूट टू अपॉन में कितना हो गया ये ये टू हो गया ओके रूट नॉट रूट टू टू और टू नीचे से आ गया तो टू टू सा कितना हो गया फोर हो गया यहाँ से टू हटा दो तो बिल्कुल सही है एक्स की वैल्यू आ चुकी कितनी रूट सिक्स प्लस रूट टू अपॉन में कितना टू टू ज फोर अब इसी तरीके से आपको वाई की वैल्यू निकालनी है तो आप एक काम करो इसको सब करके भी आप निकाल सकते हो यदि सब्ट्रैक कर लोगे तो भी बट बेटर है मतलब किस तरीके सबट्रैक तो मैं क्या सिखाऊँ भाई एक्स की वैल्यू आ गई और आपकी वाई की वैल्यू आ गई ओके सो यूनिट वैक्टर आपके पास कितना बनेगा यूनिट वैक्टर बनेगा वन बाई फोर एक्स आई कैप एक्स की वैल्यू आपने रख दी थी तो वन बाई फोर कॉमन आ गया रूट सिक्स प्लस रूट टू आई कैप रूट सिक्स माइनस रूट टू जे कैप डन ओके गाइस तो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नाइन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्केलर पी फॉर विच द वैक्टर पी इज इक्वल्स टू इज ऑफ यूनिट लेंथ तो आपके पास पूछा गया है कि आपके पास ये आपके पास एक वैक्टर दिया गया है और पी की किस वैल्यू के लिए ये यूनिट लेंथ का होगा सो सो सिंपल आपको क्या करना पड़ेगा मॉड ऑफ दिस वैक्टर तो मॉड ऑफ दिस यदि इसको पी को आप बाहर ले लेंगे सो पी अंडर रूट ये हो जाएगा थ्री का स्क्वायर नाइन प्लस टू का स्क्वायर फोर एंड थ्री थर्टीन स्क्वायर वन सिक्सटी नाइन इक्वल्स टू कितना हो जाएगा वन सो पी इज इक्वल्स टू वन अपॉन वन सिक्सटी नाइन प्लस थर्टीन वन सिक्सटी नाइन प्लस नाइन प्लस फोर थर्टीन नौ और तीन बारह और छः दो एक आठ हो जाएगा एंड वन एटी टू सो आंसर वन अपॉन अंडर रूट वन एटी टू के लिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी यूनिट वैक्टर बन जाएगा ये ओके यूनिट लेंथ कहला ना तो यस करेक्ट आंसर इज डी ऑप्शन फोर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कह रहा है इफ़ एम वन एम टू एम थ्री एंड एम फोर द रिस्पेक्टिवली द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर दिस 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 एंड दिस तो आपको बताना है कि करेक्ट ऑर्डर क्या होगा तो भाई बहुत ही सिंपल क्वेश्चन समझ में आ रहा है चार वेक्टर्स दिए गए हैं चारों के आप इंडिविजुअली मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए और मैग्नीट्यूड को कंपेयर करके लिख दीजिए तो यहाँ पे चारों के मैग्नीट्यूड यदि निकालना है तो बहुत आसान काम है चलो यहाँ पे निकाल देता हूँ मैग्नीट्यूड ए वन को बोला गया है एम वन तो मैं डायरेक्टली एम वन नाम देता हूँ तो देखिए अंडर रूट टू का स्क्वायर चार और एक पाँच एक छः तो पहले वाले का अंडर रूट छः एम टू कितना आ जाएगा तीन का स्क्वायर नौ और चार तेरह नौ फिर सोलह प्लस सोलह तो सोलह सोलह बत्तीस और नौ बत्तीस और नौ कितना हो जाएगा बत्तीस प्लस आठ होता है चालीस और एक इकतालीस देन इसके बाद एम थ्री निकाल लीजिए तो अंडर रूट कितना हो जाएगा वन प्लस वन प्लस थ्री ये हो जाएगा देन इसके बाद एम फोर निकाल लीजिए तो कितना हो जाएगा वन प्लस नाइन प्लस वन दैट इज़ इक्वल टू अंडर रूट टेन तो देखिए सबसे बड़ा यहाँ पे कौन आया है एम टू आया है तो सबसे लार्ज यहाँ पे एम टू लास्ट में दिख रहा है तो होपफुली करेक्ट आंसर इसका ए होना चाहिए जो कि है सो दिस इज़ डन ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर इलेवन इफ ए एंड बी आर द टू यूनिट वेक्टर्स इंक्लाइंड एट एन एंगल पाई बाई थ्री देन द वैल्यू ऑफ द एंगल ए प्लस बी सो गाइज यहाँ पर क्या दिया है ए एंड बी आर यूनिट वेक्टर इंक्लाइंड एन एंगल सो ए और बी इन यूनिट वेक्टर है सो ए इक्वल्स टू वन मॉड बी इक्वल्स टू वन इस टाइप का क्वेश्चन इतने बार आया है कि पूछो मत रट गया है सो so, कैसे करेंगे देखिए मॉड ए प्लस बी की शुरुआत करने के लिए हम इसका स्क्वायर करेंगे दैट इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा इसके बाद इसको हम ओपन कर देते हैं सो ए प्लस बी का होल स्क्वायर इस तरीके से ओपन हो जाएगा मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस टू ए बी और कॉस्ट थीटा तो कॉस्ट थीटा कितना दिया है पाइव बाई थ्री सो वन प्लस वन एंड वन बाई टू कैंसिल हो गया तो दिस इज इक्वल टू रूट थ्री सो मॉड ऑफ़ ए प्लस बी इज़ इक्वल्स टू हो गया कितना अंडर रूट थ्री सो क्या रिजल्ट में पूछा गया इक्वल टू वन ग्रेटर देन ऑब्वियसली रूट थ्री की वैल्यू वन पॉइंट थ्री सेवन होती है दैट इज ग्रेटर देन वन सो मॉड ऑफ ए प्लस बी इज ग्रेटर देन वन सो इसमें आपको मॉड ऑफ ए माइनस बी भी पूछा जा सकता है आपको मॉड ऑफ ए प्लस बी भी पूछा जा सकता है कुछ भी पूछ सकते हैं चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है इफ़ ए डॉट बी इक्वल टू जीरो एंड ए प्लस बी मेक्स एन एंगल सिक्सटी डिग्री अगर ए डॉट बी दो वैक्टर्स हैं वो क्या है ए डॉट बी आपके पास जीरो है और ए प्लस बी जो है वो कितना एंगल बनाता है मेक्स एन एंगल सिक्सटी डिग्री विद ए ओके ए प्लस बी जो है वो कितना एंगल बनाता है सिक्सटी डिग्री विद ए देन मतलब कि आप एक तरीके से ये देखिए कि ए डॉट बी का जो एंगल है सॉरी ए प्लस बी का एंगल जो ए के साथ है वो कितने डिग्री है सिक्सटी डिग्री तो आपको बताना है ए और बी में करेक्ट रिलेशनशिप क्या होगी ओके तो इस क्वेश्चन को मैं कहूँगा सबसे पहले ये क्वेश्चन गुड है नए टाइप का क्वेश्चन है इसको करिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एज अ मार्क करिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को देखिए सबसे बड़ी रिलेशनशिप आपके सामने दी गई है ए डॉट बी इक्वल डू जीरो अब ए डॉट बी टाइम्स ए करिए क्योंकि उसने कह रखा है ए डॉट बी और ए के बीच का एंगल 60 डिग्री सो ए डॉट बी टाइम्स से इक्वल टू मॉड ऑफ ए प्लस बी मोड ए कॉस सिक्सटी ना इसको ओपन कर लीजिए तो ए इंटू ए और प्लस बी इंटू ए इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू एक्स सिक्सटी इक्वल टू वन बाई टू ओके अब यहाँ पे देखिए ये a इंटू ए और b इन ए आपको क्या पता है a इंटू ए बी इंटू ए की वैल्यू कितनी है जीरो है b इंटू ए की वैल्यू जीरो है सो so, आपके पास में क्या आ जाएगा आपके पास में आ जाएगा मॉड a का स्क्वायर यदि इसको आप सिंप्लीफाई करते हो तो टू ऊपर उछल के चला जाएगा और टू मॉड a का स्क्वायर इक्वल टू मॉड ऑफ ए प्लस बी इंटू मॉड ऑफ ए सो मॉड ऑफ ए से एक मॉड ऑफ ए कैंसिल हो चुका है यानी कि देखा जाए तो मॉड ऑफ ए की वैल्यू जीरो है बट ऐसा कुछ कहा नहीं है मॉड ए की वैल्यू हमको बोली नहीं गई है कि जीरो है कि क्या है ओके अब हमें मॉड ए की मॉड ए <coughs> की वैल्यू यदि यहाँ से देखी जाए तो मॉड ए कैंसिल हो गया मैं ये कह रहा था अब देखिए यहाँ पे टू मॉड ए इक्वल टू ए प्लस बी टू इक्वल टू ए प्लस बी हमें करना क्या है हमें ए और बी में रिलेशनशिप निकालनी है कि ए और बी में रिलेशनशिप क्या है और टू मॉड ए इक्वल टू ए प्लस बी आ चुका है सो टू मॉड ए इक्वल्स टू मॉड ए प्लस बी लेकर के हम खड़े हुए हैं अब आगे क्या कर दो इसका स्क्वायर कर दोगे तो स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा फोर ए स्क्वायर इक्वल टू मॉड ए प्लस बी का ए स्क्वायर अगेन आपको पता है कि मॉड ए प्लस बी का जो स्क्वायर बनेगा दैट इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा एंड आप उसको लिख सकते हो क्या लिख सकते हो देखो फोर मॉड ए का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी जिसको ओपन करोगे तो जीरो आ जाएगा तो अब यहाँ पर फिर से देखो ये अपने पास हो गया थ्री ए स्क्वायर इक्वल्स टू मॉड ऑफ बी का स्क्वायर सो थ्री मॉड ए इक्वल्स टू मॉड ऑफ बी सो यू कैन राइट मॉड बी इक्वल्स टू थ्री और क्या हो जाएगा थ्री टाइम्स ऑफ मॉड ए सो मॉड बी इक्वल्स टू थ्री टाइम्स ऑफ मॉड ए डन सो so, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों ये इसको जरूर करो क्योंकि देखने पर पता नहीं चल रहा है कि ए और बी के बीच में रिलेशनशिप कैसे मिलेगी ओके okay. और मेनली यहाँ से ये यह पता करता है कि इससे यहाँ से क्वेश्चन की शुरुआत कैसे होती है क्वेश्चन की शुरुआत होती है ए डॉट ए प्लस बी से यहाँ से क्योंकि इसमें कह रखा कि ए प्लस बी जो है द ए प्लस बी वैक्टर मेकिंग एन एंगल सिक्सटी डिग्री विद वैक्टर ए सो इन दिस सेंस यू कैन स्टार्ट योर क्वेश्चन फ्रॉम हेयर ओके मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर थर्टीन क्वेश्चन नंबर थर्टीन इज इफ आई प्लस जे थ्री वैक्टर ये 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 आर द पोजिशन वैक्टर ऑफ द ऑफ द ट्रेंगल ए बी सी टेकन इन ऑर्डर देन एंगल ए इज इक्वल्स टू सो मेनली आपके पास देखिए दो वैक्टर दिए गए हैं आपके पास मतलब तीन पॉइंट्स दिए गए हैं आर द पोजिशन वैक्टर ऑफ द वर्टाइसिस एक आपके पास वर्टाइसिस ये दिया गया है तो इनको तीनों को पहले ट्रेंगल की फॉर्म में आप बना लो बनाना हो तो ओके okay, सो so इसको क्यों ना बना लिया जाए हम लोग बना लेते हैं चलिए देखिए तो इसको मैं ट्रैंगल की फॉर्म में यदि डिज़ाइन कर लेता हूँ इन द फॉर्म ऑफ ट्रैंगल यदि मैं इसको डिज़ाइन कर लेता हूँ तो ए पॉइंट मेरे पास क्या है वन कामा वन है बी पॉइंट मेरे पास क्या है वन कामा ओ बी बी पोजिशन वैक्टर के जीरो कॉमा सो ये वन कामा वन कामा जीरो भी बनेगा एंड जीरो कॉमा वन कॉमा वन एन सी पॉइंट मेरे पास क्या है सी पॉइंट मेरे पास है वन कामा जीरो कॉमा वन देखो आपको कौन सा एंगल चाहिए है आपको चाहिए है एंगल बी वाला ये वाला एंगल चाहिए वेट 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 देन एंगल ए सॉरी बच्चों तो आपको एंगल ए चाहिए है तो आपको ये वाला एंगल चाहिए तो आपको दो वेक्टर की ज़रूरत है एक इसकी ज़रूरत है और एक इसकी ज़रूरत है मतलब आपको एक ए बी बनाना पड़ेगा और आपको एक ए सी बनाना पड़ेगा तो फाइनल माइनस इनिशियल के कंसेप्ट से ए बी बनाएंगे तो देखिए ए बी कितना बनेगा आपके पास में ए बी आपके पास बनेगा आ, फाइनल माइनस इनिशियल जीरो माइनस वन मतलब माइनस आई कैप और प्लस जीरो जे कैप और प्लस का के कैप क्योंकि वन माइनस जीरो वन ही हो जाएगा प्लस का के कैप ये आपके पास ए बी बन गया नाउ ए सी बनाइए सो पोजिशन वैक्टर ऑफ सी माइनस पोजिशन वैक्टर ऑफ सी कितना वन वन माइनस वन जीरो आई कैप और फिर जीरो माइनस वन तो माइनस का जे कैप और वन माइनस जीरो मतलब प्लस का के कैप तो ये दो वैक्टर आपके पास बन चुके हैं ए बी एन ए सी अब डॉट प्रोडक्ट लगा दीजिए तो डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला ए बी डॉ ए सी अपॉन मॉड ऑफ ए बी मॉड ए सी इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा थ्री टेक्वल टू पाई बाई थ्री So, this was also done theta equals to pi by 3 is the answer. <laughs> okay, moving to the next question if vector A is equal to this.

और बी वैक्टर आपके पास में यहाँ पर है नहीं तो ए माइनस बी इक्वल टू सेवन दिया गया है तो अगर बी वेक्टर होता तो क्वेश्चन आप यहाँ से उठा सकते थे बट कुछ नहीं कर सकते ए माइनस बी इक्वल टू सेवन तो स्क्वायर कर दीजिए सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी इक्वल्स टू सेवन देखिए ए आपके पास गिवन है तो ए का मॉड का स्क्वायर लिखा लेंगे ओके okay, वन का स्क्वायर वन प्लस फोर प्लस नाइन ये आ गया और मॉड ऑफ बी का स्क्वायर माइनस टू ए डॉट बी अब देखो यहाँ पर चमत्कार होने वाला है ए डॉट बी की वैल्यू कितनी दी गई है बी स्क्वायर तो यहाँ पर पुट कर दीजिए सब कुछ सॉल्व करने के बाद आपके पास मॉड बी की वैल्यू आ गई है और मॉड बी की वैल्यू कितनी तैयारी रूट सेवन ओके सो मॉड बी इक्वल्स टू रूट सेवन आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन लेट यू वी एंड डब्ल्यू बी द वैक्टर सच दैट यू प्लस वी प्लस डब्ल्यू इक्वल टू जीरो ओके एंड मॉट यू इक्वल्स टू थ्री मॉट वी इक्वल्स टू माइनस वन एंड मॉट डब्ल्यू इक्वल्स टू दिस देन यू डॉट वी प्लस वी डॉट डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू डॉट वी देखिए आपको क्या करना है आपको यहाँ से इस क्वेश्चन को लेकर के चलना है ओके okay, एक चॉइस आपके पास ये बन रही है कि आप इसको ओपन करेंगे बट आपको किसी का एंगल पता नहीं है तो आपको यहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा क्वेश्चन को कहाँ से स्टार्ट होगा क्वेश्चन U प्लस वी प्लस डब्ल्यू इक्वल टू जीरो इस पॉइंट से क्वेश्चन स्टार्ट होगा आइए कैसे करते हैं देखिए सो U प्लस वी प्लस डब्ल्यू इक्वल टू जीरो सो दोनों तरफ का स्क्वायर कर देंगे तो so, इधर का स्क्वायर इक्वल टू इधर का स्क्वायर अब इसको ओपन कर दीजिए यू स्क्वायोर प्लस वीक्वायर डब्ल्यू स्क्वायर प्लस टू टाइम ऑफ दिस इक्वल टू जीरो यू स्क्वायर वी स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर की वैल्यू रख करके टू टाइम्स ऑफ दिस टू टाइम्स ऑफ दिस इक्ल्स टू जीरो सो यू इंटू वी वी इन् टू डब्ल्यू डब्ल्यू इंटू वी एंड इक्वल्स टू माइनस फिफ्टी अपॉन टू सो दैट इज़ इक्वल्स टू हाउ मच दैट इज़ इक्वल टू माइनस ट्वेंटी फ़ाइव ये वैल्यू आ गई अपने पास में माइनस ट्वेंटी फ़ाइव सो डन 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 माइनस ट्वेंटी फ़ाइव ये वैल्यू आ चुकी है मेरे पास में यू डॉट वी वी डॉट यू एंड डब्ल्यू डॉट यू की वैल्यू माइनस ट्वेंटी फ़ाइव ओके सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके पास क्या कहा गया है कि इफ ए बी सी आर द थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर ऑफ द इक्वल मैग्नीट्यूड देन द एंगल थीटा विच ए ए प्लस बी प्लस सी मेक्स विद एनी वन ऑफ द गिवन वेक्टर तो कह रहा है कि बताइए कि, कि कोई जो वेक्टर है आपके पास में जिसमें ए प्लस बी प्लस सी जो है वो किसी गिवन वेक्टर आइदर वेक्टर ए या वेक्टर बी या वेक्टर सी के साथ अगर कोई एंगल बना रहा है तो आपको बतानी है कि उस एंगल की वैल्यू क्या होगी तो आपको यहाँ पर बताना है कि जो वेक्टर ए बी सी के साथ ए बी सी जो है वो किसी के साथ भी जो एंगल बनाता है उस एंगल की वैल्यू आपको क्या होगी और देखिए साफ साफ बात यहाँ पर बोली गई है इंपॉर्टेंट लाइन की ए बी एन सी आर द थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर पेंडिकुलर वैक्टर विद इक्वल मैग्नीट्यूड तो कैसे सॉल्व करते हैं हम मान लेते हैं कि तीनों वैक्टर के मैग्नीट्यूड इक्वल हैं दैट इज इक्वल टू लेमडा ओके एंड तीनों परपेंडिकुलर है सो ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट इक्वल टू जीरो तीनों के वेक्टर के मैग्नीट्यूड यदि लैम्डा हैं सो मेरे पास क्या बनेगा ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर मॉड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर मेरे पास कितना बनेगा थ्री लैम्डा स्क्वायर देखिए कैसे बनेगा हमारे पास तीनों जो वैक्टर हैं वो एक दूसरे के तीनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो यदि मैं इसको करूंगा ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू हो जाएगा मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस मॉड सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए दैट इज इक्वल टू जीरो बन जाएगा सो मॉड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी का जो मॉड का होल स्क्वायर निकलेगा दैट इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा थ्री लैम्डा स्क्वायर ओके ये अपने पास हो गया होल स्क्वायर सो मॉड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना हो गया अंडर रूट थ्री लेमडा अब कह रहा है कि आपको किसी एक वेक्टर के साथ एंगल फाइंड करना है सो so, हम क्या करेंगे ए प्लस बी प्लस सी डॉट ए इज इक्वल टू मॉड पहला वेक्टर एंड दूसरा वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड कॉस ऑफ थीटा तो थीटा वन ले लिया मैंने सो देखिए मॉड अब यहाँ पे ए और ए क्या हो जाएगा ए का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू लेमडा स्क्वायर ये भी हो गया जीरो ये भी हो गया जीरो इक्वल टू लेमडा स्क्वायर रूट थ्री कॉस थीटा सो so, यहाँ पे कॉस् थ्रीटा वन इज इक्वल टू वन बाय रूट थ्री यही कॉस्ट थ्रीटा टू आएगा एंड यही कॉस् थ्रीटा थ्री आएगा सो so, तीनों एंगल यहाँ पे क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे कॉस थ्रीटा वन इक्वल टू कॉस्ट थ्रीटा टू इक्वल टू कॉस्ट थ्रीटा थ्री सो थ्रीटा वन इज इक्वल टू क्या जाएगा कॉस इन वन अपॉन रूट थ्री सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा ए होगा ओके कॉस इनवर्स वन अपॉन रूट थ्री चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है इफ ए एन बी आर द यूनिट वेक्टर इन एंगल बिटवीन इज देन साइन थीटा बाई टू तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है देखिए आपको साइन में लेकर के आना है तो आपको ए माइनस बी से स्टार्ट करनी पड़ेगी क्वेश्चन की ओके सो so, दोनों यूनिट वेक्टर तो मॉड ऑफ ए इक्वल्स टू वन मॉड ऑफ बी का स्क्वायर इक्वल टू वन यहाँ पे मॉड ऑफ बी कर लीजिए बी का स्क्वायर इक्वल टू वन एंड ए डॉट बी इक्वल टू मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा ये होते ही है सो so, कैसे स्टार्ट होगा ये क्वेश्चन देखिए ये क्वेश्चन इस तरह हो गया कि मॉड ऑफ ए माइनस बी इक्वल्स टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर ओके हालांकि यहाँ से साइन थीटा से कर दिया गया है कोई फर्क नहीं पड़ता है तो साइन थीटा से यदि आप करेंगे तो इस तरीके से आएगा बट ये मेरे को याद है तो मैं ऐसे करूँगा मॉड ए माइनस बी इक्वल टू मॉड ए माइनस बी का स्क्वायर सो मॉड ए माइनस बी सॉरी स्क्वायर लगेगा इक्वल टू मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर माइनस टू ए डॉट बी तो देखिए मॉड ए माइनस बी का स्क्वायर तो जो है तो होगा ही मॉड ए यूनिट वेक्टर तो वन प्लस वन माइनस टू और मॉड ए मॉड बी वन वन हो जाएगा कॉस थीटा ओके सो वन प्लस वन हो गया टू माइनस टू कॉस थीटा इक्वल्स टू मॉड ए माइनस बी का होल स्क्वायर टू कॉमन ले लेंगे वन माइनस कॉस थीटा इक्वल टू होता है टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू इक्वल टू मॉड ए माइनस बी का होल स्क्वायर सो मॉड ऑफ ए माइनस बी अपॉन फोर होल स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया साइन स्क्वायर थीटा बाई टू सो साइन थीटा बाई टू की वैल्यू कितनी निकलेगी मॉड ऑफ ए माइनस बी अपॉन फोर का रूट कितना आ जाएगा टू सो करेक्ट आंसर साइन थीटा बाई टू इक्वल टू मॉड ऑफ ए माइनस बी बाई टू वैसे आप लॉजिकली आप इसको याद कर सकते हो कि जो आपके पास में जो ए प्लस बी होता है वो कॉस थीटा बाई टू में क्वेश्चन को ले जाता है और ए माइनस बी जो होता है वो साइन थीटा बाई टू में ले जाता है ओके सो डन ये क्वेश्चन हो चुका है हमारा आंसर आएगा मॉड ऑफ ए माइनस बी बाई टू मतलब करेक्ट ऑप्शन हमारा ए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर एटीन यूनिट वैक्टर इन एक्स वाई प्लेन दैट मेक्स एन एंगल फोर्टी फाइव डिग्री विद दिस एंड सिक्सटी डिग्री विद दिस विद द वैक्टर थ्री आई माइनस फोर जे इज कह रहा है एक यूनिट वैक्टर है जो कि एक्स वाई प्लेन में है वो इसके साथ इतना एंगल बनाता है इसके साथ इतना एंगल बनाता है तो आपको बताना है आपको बताना है कि इस यूनिट वैक्टर की वैल्यू क्या होगी ठीक ना किसके साथ देखिए इस वेक्टर के साथ को बना रहा है फोर्टी फाइव डिग्री और इस वेक्टर के साथ बना रहा है सिक्सटी डिग्री तो वही क्वेश्चन है जैसे हम थोड़ा पहले कर चुके हैं एक वैक्टर आप एक्स वाई प्लेन में मान लीजिए कोई एक्स आई प्लस वाई जे कैप आपने मान लिया कोई वैक्टर सपोज वै वक्टर अल्फा इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे कैप सो यूनिट वैक्टर है तो मॉड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू वन और आपके पास देखिए जो वैक्टर है पहला बीटा बीटा के साथ और तीन वैक्टर आपने तीसरा मान लिया गामा बीटा के साथ फोर्टी फाइव डिग्री का है तो कॉस फोर्टी फाइव इक्वल टू वैक्टर ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी से एक रिलेशन बना लिया फिर कॉस सिक्सटी का यूज़ करके हमने दूसरा रिलेशन बना लिया डन ये भी आ गया दोनों को सॉल्व करके आपके पास किसकी वैल्यू आ चुकी है एक्स की और वाई की सो so, अब आपके पास एक्स और वाई आ चुका है तो आपसे पूछा जा रहा है कि क्या पूछा जा रहा है कि देन विद द वेक्टर इसके साथ कौन सा वेक्टर होगा तो कोई भी ऑप्शन देखिए यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं कर रहा है यदि आप यदि देखें <coughs> यदि आप यहाँ पर देखें चारों ऑप्शन में तो चारों ऑप्शन में कोई भी ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है ओके और एक चीज़ हमें ये देखनी पड़ेगी कि तो क्या ये यूनिट वैक्टर है कि नहीं है क्योंकि यूनिट वैक्टर होना भी चाहिए इस ऑप्शन से एक्स और वाई से तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी वन आनी चाहिए तो वैसे तो एक ऑप्शन में मैच नहीं कर रहा है और दूसरी चीज़ क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू तो वन सो थर्टीन वन सिक्सटी नाइन अपॉन वन नाइनटी सिक्स एंड प्लस वन अपॉन वन नाइन्टी सिक्स दैट इज़ नॉट इक्वल टू वन इसका मतलब ये सेटिसफाई नहीं कर रहा है इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा तो इसका जो ऑप्शन मिलेगा आपको क्या मिलेगा नन ऑफ दिस क्योंकि कोई भी ऑप्शन इसको सेटिसफाई नहीं कर रहा है ओके okay. <coughs> तीनों में कोई भी मैच नहीं कर रहा है और वैसे भी ऑप्शन जो आंसर आपका आ रहा है वो गलत आ रहा है उसको यूनिट नहीं है तो वो करेक्ट आंसर नहीं माना जाएगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइनटीन द वैक्टर दिस तीसरा पार्टी वाला है एंड दिस आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर देन द लोकस ऑफ द एक्स वाई भाई बहुत ही आसान क्वेश्चन है अगर दोनों वेक्टर ऑर्थोगोनल है तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट आप जीरो के इक्वल दिखा दो दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो के इक्वल दिखाओगे तो एक्स स्क्वे प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल टू वन अपॉइंट सिक्स जो कि क्या एक सर्कल है तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन एकदम बच्चों टाइप क्वेश्चन है चलिए अगला क्वेश्चन ट्वेंटी है द लेट ए इक्वल ए वन टू थ्री बी इक्वल टू थ्री वन टू बी द वैक्टर एंड सी बी ए वैक्टर ऑफ लेंथ एंड पैरल टू ए प्लस बी तो कह रहा है कि सी जो है वो इन दोनों के पैरल है ओके okay, और दोनों के साम के पैरल तो सब आपको बताना है बी की टू वैक्टर एंड सी बी ए वैक्टर ऑफ लेंथ एल सी जो है वो एल लेंथ का आपको वैक्टर दिया गया है यहाँ पे एल के बारे में कुछ नहीं कहा गया है सीबीए वैक्टर ऑफ लेंथ एल एंड पैरल टू दिस तो एल के बारे में कुछ कहा नहीं गया एक पॉइंट ये है चलिए सॉल्व करते हैं देखिए क्या कहा गया अपने पास में वैक्टर ऑफ लेंथ एल तो देखिए ये क्वेश्चन जो है मेरे को ऐसा लग रहा है कि इसमें कोई प्रॉब्लम है ये इसमें मतलब कि ऑप्शन में कोई मिस्टेक दी हुई है क्यों यहाँ पे ऑप्शन में एल होना चाहिए क्यों बिकॉज लेंथ एल का वेक्टर बोल रहा है एंड पैरेलल टू ए प्लस बी तो चलिए सबसे पहले हमारे पास ए दिया है बी दिया हुआ है तो ए और बी के वैक्टर आप जनरेट कर लीजिए तो ए का वैक्टर ये बन गया बी का वैक्टर ये बन गया और ए प्लस बी का वैक्टर ये बन गया अब कह रहा है कि सी जो वैक्टर है वो ए प्लस बी के पैरल है तो डेफिनेटली सी इक्वल टू लेमडा टाइम्स ऑफ ए प्लस बी होगा दैट इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स ऑफ दिस 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 अब यदि आप इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं लेमडा से तो फोर लेमडा आई कैप माइनस लेमडा जे के प्लस फाइव लेमडा के कैप बन जाएगा और इसका सी का मैग्नीट्यूड कितना दिया गया है एल दिया गया है तो सी का मैग्नीट्यूड तो एल इक्वल टू कितना हो गया है यहाँ पे फोर्टी टू लैमडा स्क्वायर सो लेमडा इक्वल टू हो जाएगा कितना ए, एक मिनट एक मिनट लेंथ एल के इक्वल दी ही थी तो एल का स्क्वायर ही आएगा स्क्वायर करने पर तो एल इक्वल टू एल लेमडा इक्वल टू एल अपॉन फोर्टी टू का रूट ये आ गया हमारे पास तो जो आपके पास में वेक्टर बनेगा सी इज इक्वल टू सी इक्वल टू कितना था लैमडा टाइम्स ऑफ वैक्टर ए प्लस बी ए प्लस बी आपके पास आया था कितना फोर आई कैप माइनस जे कैप प्लस फाइव के कैप ये आया था तो c इक्वल टू लेमडा की वैल्यू कितनी रख दो l अपॉन फोर्टी टू एल अपॉन फोर्टी टू और फोर आई कैप माइनस जे कैप प्लस फाइव के कैप तो ऑप्शन में l नहीं है बट वन अपॉन फोर्टी टू है तो अगर ये पॉइंट की बात करा जाए हमसे l को छोड़ करके अगर l की पर्टिकुलरली ऑप्शन में वन ले ली गई है आप ऑप्शन को देखिए एल की पर्टिकुलर वैल्यू यहाँ पे वन अपॉन फोर्टी टू ये ले ली गई है ये वन अपॉन फोर्टी टू दे बट राइट आंसर कितना आ रहा है एल अपॉन रूट फोर्टी टू माइनस फाइव आई कैप इसके बाद अपना माइनस फाइव सॉरी फोर आई कैप माइनस जे कैप प्लस फाइव के कैप लियो ऑप्शन भी गलत दे रखा मतलब तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा क्या डी ऑप्शन होगा क्योंकि ये तो मैच ही नहीं कर रहा ना क्योंकि अगर कम से कम ये वाला पार्ट गलत था तो ये वाला पार्ट सही होता तो ये वाला पार्ट भी सही नहीं है तो जो ऑप्शंस आपके पास आ रहे हैं वो गड़बड़ आ रहे हैं ये कोई भी मैच नहीं कर रहा है तो इसका करेक्ट आंसर कितना होगा डी होगा क्योंकि आई कैप जे कैप के कैप के जो कंपोनेंट है वो हैं फोर माइनस वन और फाइव ओके okay, और ऑप्शन में आपको देखिए लास्ट वाला डी जो ऑप्शन है वो आपको फोर माइनस वन और फाइव नहीं मिल रहा है वो फाइव माइनस फोर और माइनस वन मिल रहा है जो कि नहीं है सो इट इज़ रॉन्ग करेक्ट आंसर इज़ डी नन ऑफ दीज ओके इसका आंसर है डी नन ऑफ दीज ओके चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत प्यारा क्वेश्चन है देखिए कह रहा है लेट ए इज द वेक्टर ए आपके सामने वेक्टर ए दिया गया है एंड बी इज इक्वल टू आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप आपके सामने दूसरा वेक्टर दिया गया एंड सी आपको दिया गया तीसरा वेक्टर कह रहा तीन है तीन वैक्टर हैं ए वैक्टर वी इन द प्लेन ऑफ ए एंड बी मतलब जो वी है वो ए और बी के प्लेन का वैक्टर है वैक्टर ए और वैक्टर बी का प्लेन में कोई वैक्टर है तो आप मान लीजिए देखिए वेक्टर वी को आप मान लीजिए एक तो तरीका है एक्स वेक्टर ए प्लस वाई वेक्टर बी मान लें बट इस तरीके से आपको ये डिफ़िकल्ट बनेगा तो आप क्या कर लीजिए आप वी को मान लीजिए वैक्टर वी इज इक्वल टू वैक्टर ए प्लस लेमडा वैक्टर बी इस तरीके से मान लीजिए तो v जो है ए और बी के प्लेन का एक वैक्टर के फॉर्म में आ जाएगा लेट ए वैक्टर v इन द प्लम फॉर्म ऑफ ए एंड बी एंड वूज प्रोजेक्शन इज़ सी विद वन अपॉन थ्री और इसका सी के साथ प्रोजेक्शन आप निकाल लेंगे जो नया वैक्टर बनेगा तो प्रोजेक्शन कैसे निकलेगा वैक्टर सी डॉट वैक्टर वी अपॉन बी मॉट सी इक्वल टू वन अपॉन रूट थ्री इसके बाद आपकी लेमडा की वैल्यू आ जाएगी जिसको पुट कर देंगे आइए इसका सोल्यूशन देखते हैं सो आपके पास वी इज़ इक्वल टू वैक्टर ए प्लस लेमडा वैक्टर बी है आपके पास में सो ए आपके पास कितना था वन आई के प्लस जे के प्लस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप और आई कैप माइनस जे के प्लस के कैप तो इस तरीके से आपने वेक्टर बना लिया है v इक्वल्स टू वैक्टर ए प्लस लेमडा वैक्टर वी से अब v का c के साथ प्रोजेक्शन कितना वन अपॉन रूट थ्री सो v डॉट सी अपॉन मॉड सी सी वैक्टर आपको सी वैक्टर जो है आपको कितना दिया गया देखिए c वैक्टर के साथ प्रोजेक्शन आपको दिया c इक्वल डू आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप तो i कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप करके c के साथ इसका डॉट प्रोडक्ट और अपॉन में मॉड c इक्वल्स टू वन बाई रूट थ्री और सिसे लेमडा की वैल्यू आ गई लेमडा की वैल्यू उठा करके आप कहाँ पे पुट कर दीजिए इन जगहों पर पुट कर दीजिए यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे ओके okay, सो so आपके पास में v वेक्टर आ जाएगा सो so सिंपल बहुत ही आसान क्वेश्चन है इसको जरूर करिए एक बार आ, आ, आराम से बनेगा नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर टू द यूनिट वैक्टर परपेंडिकुलर टू द आई माइनस जे कैप एंड को प्लेनर विथ दिस एंड दिस कह रहा है कि आपको जो यूनिट वेक्टर निकालना है जो इसके परपेंडिकुलर है आई कैप माइनस जे कैप के परपेंडिकुलर है एन कोप्लेनर है इसके और इसके इन दोनों के कोप्लेनर है तो देखिए एक तो आप ऑप्शन से चेक कर सकते हैं कि जो परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर में डॉट प्रोडक्ट आपके पास में क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा बट काफ़ी सारे वेक्टर यहाँ पे आपको डॉट प्रोडक्ट जीरो कैस करते करते दिखा रहे हैं कि नहीं दिखा रहे हैं कोई ऑप्शन मैच तो नहीं हो रहा है तो सबसे पहले मैं इसको डॉट प्रोडक्ट से चेक करता हूँ देखिए लिखा भी है मैंने यहाँ पे कि इसको शॉर्ट ट्रिक से करिए शॉर्ट एस टी मतलब होता है शॉर्ट ट्रिक तो आइए डॉट प्रोडक्ट से देखता हूँ कि किसके साथ जीरो हो रहा है तो एक तो इसका जीरो हो रहा है ओके इसका भी ज़ीरो हो रहा है और द यूनिट वैक्टर परपेंडिकुलर टू दिस को प्लेनर विद दिस एंड दिस तो दो ऑप्शन में जीरो में आ गए हैं ओके और दो ऑप्शन जीरो में आ चुके हैं यहाँ पे एक वेक्टर इसका आ चुका है एक वेक्टर इसका आ चुका है तो ऑप्शन मैच हो रहा है प्रॉब्लम तो ये है ना बट आप एक चीज देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में यूनिट वेक्टर बोल रखा है और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है वन देखिए इसका यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड वन तो आएगा नहीं तो ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता है तो किसका वन आएगा इस वाले का वन आएगा सो करेक्ट ऑप्शन किसका हो जाएगा इसका वन हो जाएगा सो यही करेक्ट आपका इसका आंसर हुआ आई कैप प्लस जे केप अपॉन वन बाई रूट टू करेक्ट आंसर इसका यही हो जाएगा चलिए सो करेक्ट आंसर देखिए ऑप्शन नंबर थ्री आ चुका है ओके तो लेट द यूनिट वेक्टर दिस पर तो इस लोगों ने भी शॉर्ट ट्रिक से किया है सोल्यूशन वाले ने शॉर्ट ट्रिक से किया है चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन देखिए फोर्स से रिलेटेड है जो कि बहुत इजी हुआ करता है फोर्स के क्वेश्चन कांस्टेंट फोर्स एक पी वन है एक पी टू है एक पी थ्री है और एक्ट कर रहे हैं पार्टिकल को डिस्प्लेस करते हैं ए और बी में तो ए और दिया है बी दिया है तो भाई इससे ज़्यादा ईजी क्वेश्चन वर्ल्ड में तो कुछ हो नहीं सकता है आपको क्या है ए से लेके वी में डिस्प्लेस किया तो सबसे पहले तीनों फोर्सेस का आप सम निकाल लो सो पी वन प्लस पी टू प्लस पी थ्री करके तीनों फोर्सेस का आप सम निकाल लीजिए देन इसके बाद वर्क का फॉर्मूला लगा दीजिए फोर्स इंटू डिसप्लेसमेंट मतलब कुछ कहने ही नहीं है बहुत ही ईजी क्वेश्चन है आंसर आपके पास देखिए फोर्स कितना अपने पास में टोटल सॉल्व करने पर टू जे आया है और जे का जे के साथ ही मल्टीप्लाई होगा डॉट प्रोडक्ट है तो आंसर कितना आएगा एट सो सिंपल बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी सी आर द नॉन जीरो वैक्टर दैन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट अगर ए बी सी नॉन जीरो वैक्टर हैं तो इसमें से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट होगा ए क्रॉस बी माइनस सी इक्वल टू सी माइनस बी क्रॉस ए ओके देखिए पहला स्टेटमेंट कह रहा है ए क्रॉस बी माइनस सी इक्वल टू सी माइनस बी क्रॉस ए तो मुझे तो पहला ही सही लग रहा है क्योंकि ए क्रॉस बी माइनस सी है तो यदि इसको हम उल्टा करेंगे तो माइनस आ जाएगा और एक मिनट करके देख लेते हैं जल्दबाजी नहीं करेंगे तो यदि ए क्रॉस बी माइनस सी है यदि मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा क्रॉस प्रोडक्ट में लिखूँगा तो पलट करके लिखूँगा तो माइनस ऑफ बी माइनस सी और क्रॉस का ए और माइनस साइन का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये आ जाएगा तो मुझे पहला ऑप्शन ही सही लग रहा है देख रहे हैं बिल्कुल सही पहला ऑप्शन ही सही है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है नज़रों के सामने दिख गया पहला ऑप्शन सही आगे देखते हैं अगला गलत क्यों है ए डॉट बी क्रॉस सी इक्वल टू बॉट भाई डॉट प्रोडक्ट में कोई कॉम्पिटेटिविटी वाली ऐसी कोई रूल नहीं होती तो दूसरा गलत है ए क्रॉस बी प्लस सी इक्वल टू सी प्लस बी क्रॉस ए भाई इसने सी प्लस बी है वो तो सेम रहेगा माइनस साइन का कहीं यूज़ नहीं हो रहा तो ये भी गलत है और सी माइनस बी डॉट ए ये भी गलत है तो फर्जी टाइप का क्वेश्चन है बहुत ही ईजी क्वेश्चन ए ऑप्शन है इसका नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर ए एंड बी ए क्रॉस बी इक्वल टू ए डॉट बी भाई मुंह पे बसा आंसर कितने डिग्री होना चाहिए मॉड लगा दिया वैसे फोर्टी फाइव और वन थर्टी फाइव दोनों होगा सो मॉड ऑफ टेन थीटा इज इक्वल्स टू वन हो जाएगा मॉड ऑफ टेन थीटा इक्वल्स टू वन देख लीजिए आप सो so इस कंसेप्ट में मॉड ऑफ टेन थीटा इक्वल टू वन बनेगा सो टेन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस वन सो थीटा इज इक्वल टू फोर्टी फाइव डिग्री एंड वन थर्टी फाइव डिग्री दो ऑप्शन आपके पास में सो सिंपल क्वेश्चन अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं वैसे तो बच्चे लोग इसकी शॉर्ट ट्रिक याद कर लेते हैं डायरेक्टली इसका आंसर मेरे ख्याल से टू ए स्क्वायर होता है ओके देखिए मैंने लिखा भी है कि शॉर्ट ट्रिक आप इसकी याद कर सकते हैं ए डॉट आई का स्क्वायर ए क्रॉस जे का स्क्वायर ए क्रॉस के का स्क्वायर यदि आप इसको चाहें पूरा तो पूरा को पूरा ओपन कर लें वैसे इसका आंसर टू ए स्क्वायर मुझे भी याद हो गई है देखिए तो आपने कोई ऑप्शन मान लिया आपने पी आई कैप प्लस क्यू जे कैप प्लस आर के कैप अब आप ए क्रॉस आई करते हैं तो देखिए ए क्रॉस आई से क्रॉस आई क्रॉस आई तो कैंसिल हो गया j क्यू बच गया आर बच गया और यदि आप इसको खोलेंगे तो मॉड में कितना आएगा आर स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इसी तरीके से पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर और आर स्क्वायर पी स्क्वायर तीनों को ऐड कर देंगे तो टू ब्रैकेट में पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर दैट इज इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ ए का स्क्वायर तो मैं तो कहूँगा इसको मन में बसा लीजिए आंखों में बसा लीजिए ए क्रॉस आई का स्क्वायर ए क्रॉस जे का स्क्वायर ए क्रॉस के का स्क्वायर का मॉड जो होता है डैट इज इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ मॉड ए स्क्वायर ओके और इसको आप टू टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर भी कह सकते हैं क्योंकि वेक्टर का स्क्वायर वेक्टर के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल हुआ करता है अगला क्वेश्चन देखिए यू दिया है वी दिया है ए माइनस ए मॉड इक्वल टू मॉड इक्वल टू टू दिया है तो यू क्रॉस वी आपसे पूछा गया है कि यू क्रॉस वी क्या होगा तो चलिए कुछ नहीं करना है यू क्रॉस वी कर दीजिए तो यू क्रॉस भी आपने कर दिया तो देखिए टू टाइम्स ऑफ ए क्रॉस बी आ चुका है यू क्रॉस भी आपने कर दिया है तो टू टाइम्स ऑफ ए क्रॉस बी आपके पास आ चुका है क्यों आ चुका भाई थोड़ा सा इसको ओपन करके देखा जाए टू टाइम्स ऑफ ए क्रॉस बी यू आपके पास है और वी आपके पास है यू आपके पास कितना है देखिए यू आपके पास है ए माइनस बी एंड वी इक्वल टू ए प्लस बी तो मैं ही सॉल्व कर लेता हूँ देखिए यू क्रॉस वी इक्वल टू ए माइनस बी क्रॉस ए प्लस बी क्रॉस देखे खुलेगा ए सबसे पहले ए के साथ जाएगा तो ए क्रॉस ए फिर ए क्रॉस बी फिर माइनस का बी क्रॉस ए और फिर प्लस का बी क्रॉस बी देखिए क्रॉस प्रोडक्ट सेम वेक्टर का जीरो हो जाएगा ये भी जीरो हो जाएगा और ये ए क्रॉस बी और ए क्रॉस बी दो बार आ जाएगा इसको पलट दिया तो, तो ये हो जाएगा कितना टू टाइम्स ऑफ ए क्रॉस बी बिल्कुल सही है भाई सो टू टाइम्स ऑफ ए क्रॉस बी और यू क्रॉस वी का हमसे मॉड बोला गया है क्या बोला गया है यू क्रॉस वी का मॉड तो यू क्रॉस वी का मॉड दैट इज इक्वल्स टू टू टाइम्स ऑफ ए क्रॉस बी का मॉड ओके तो ए क्रॉस बी ओपन कैसे होगा सबसे पहले इसको ओपन कर लो तो टू ए क्रॉस बी इक्वल टू मॉड ए मॉड बी साइन ऑफ थीटा तो हमें इसका मॉड बोला गया है ओके okay? तो भाई ए क्रॉस बी इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ ए साइन मॉड ए मॉड बी साइन थीटा और याद रखना वेक्टर हमेशा वेक्टर प्रोडक्ट हमेशा वेक्टर में खुलता है तो एन कैप भी जाएगा तो ये एक वेक्टर है और ये इसका पूरा का पूरा क्या है ये इसका पूरा का पूरा कोफ़िशेंट है और यदि आप इसका मॉड ऑफ ए क्रॉस मॉड ऑफ यू क्रॉस भी करते हो तो ये कॉन्स्टेंट पार्ट पूरा का पूरा कहाँ आ जाएगा रूट के अंदर चला जाएगा यदि इसको आप सॉरी इसको यदि आप सॉल्व करते हो क्रॉस बी साइन थीटा एन कैप तो ये किस तरीके से सॉल्व होता है देखो ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है लग रहा इजी मगर ये बहुत दिमाग ख़राब कर रहा है क्वेश्चन सो so, किस तरीके से सॉल्व होगा देखो एनी कैप के साथ जैसे आप पता है ना आपको अगर ए आई कैप होता है तो इसका मॉड कितना निकलता है अंडर अंडरवुड ए का स्क्वायर तो यदि इसका मॉड सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा टू का स्क्वायर मॉड ए का स्क्वायर मॉड बी का स्क्वायर ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा ठीक है अब देखो भाई टू का स्क्वायर कितना आ जाएगा बाहर फोर है टू बाहर निकल जाएगा अब ये मॉड ए स्क्वायर बी स्क्वायर है तो इसको आप मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर लिख दो और इसको लिखोगे वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ठीक है और मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर का वैल्यू जो है आपको देखो यहाँ पे मॉड ए बी मॉड ए का वैल्यू कितना है टू मॉड बी का वैल्यू भी कितना है टू तो दोनों का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा सिक्सटीन आ जाएगा है ना तो यहाँ पे ये कितना हो गया टू और ये कितना हो गया फोर इंटू फोर सिक्सटीन माइनस ए डॉट बी का होल स्क्वायर क्योंकि जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये ए डॉट बी बन जाएगा तो सिक्सटीन माइनस ए डॉट बी का होल स्क्वायर तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है गुड क्वेश्चन आप लोग करो बनेगा चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है ए डॉट बी इक्वल टू जीरो एंड ए क्रॉस बी क्वाल जीरो एंड विच ऑफ द फॉलोइंग बाई ए डॉट बी इक्वल टू जीरो है मतलब ए और बी परपेंडिकुलर है है ना बट ए क्रॉस बी इक्वल टू जीरो है तो अगर परपेंडिकुलर कभी ए क्रॉस बी इक्वल टू जीरो मतलब कि ए और बी पे पा हैं पैरल हैं तो एक साथ ए और बी परपेंडिकुलर और पैरल तो हो नहीं सकते हैं मतलब पक्का या तो ए जीरो है या तो बी जीरो है तो करेक्ट आंसर इसका कितना होगा सी ऑप्शन या तो ए जीरो होगा या बी जीरो होगा क्योंकि एक साथ कोई परपेंडिकुलर और पैरल तो लग नहीं सकता है अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच दिस इनटू दिस इक्वल टू दिस तो सिंपल कंपेयरिंग वाला क्वेश्चन है सिंपल कंपेयर कर लो बच्चों वाला क्वेश्चन झंडू झंडूबाम क्वेश्चन चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए चलिए देखिए अगला क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है इसमें बहुत तगड़ा कंसेप्ट लग रहा है इस क्वेश्चन को देखो बड़ा मजा आने वाला है सो वी हैव गिवन एफ मॉड ऑफ ए इक्वल्स टू वन मॉड ऑफ बी बीक्वल टू फोर एंड ए डॉट बी इक्वल्स टू टू दिया गया है और सी वैक्टर आपको दिया गया है टू ए क्रॉस बी माइनस थ्री बी तो कह रहा है कि देन द एंगल बिटवीन बी एंड सी तो आपको क्या चाहिए बी और सी के बीच में एंगल चाहिए तो आप क्या करो सबसे पहले यहाँ पे आप जो है सी का स्क्वायर कर दो ओके okay? क्योंकि आपको यहाँ पे सी का स्क्वायर करना बहुत जरूरी है यदि आप यहाँ पे सी का स्क्वायर करते हैं तो देखिए सी का स्क्वायर वेक्टर सी का यदि आप स्क्वायर करेंगे तो एक तरीके से क्या हो जाएगा ये ये हो जाएगा दिस इज इक्वल टू टू ए क्रॉस बी तो टू ए क्रॉस बी माइनस थ्री बी का होल स्क्वायर बस इसमें आपको सावधानी बरतनी है इसको करने में स्क्वायर करने में देखिए इसको एक पार्ट मान लीजिए इसको दूसरा पार्ट मान लीजिए जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो ए का स्क्वायर तो टू का स्क्वायर फोर तो कॉन्स्टेंट बाहर ले लो और आपके पास केवल क्या बच गया ब्रैकेट के अंदर ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर माइन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो थ्री का स्क्वायर हो गया नाइन और नाइन के बाद बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा मॉड बी का स्क्वायर जो कि आपको फोर दिया गया है ओके okay? अब एक चीज देखिए यहाँ पे अब इसके बाद आता है कितना टू ए बी तो माइनस टू ए जगह कौन बैठा है ए की जगह बैठा है इन टू टाइम्स ऑफ ए क्रॉस बी और बीच में आता है डॉट प्रोडक्ट क्योंकि में होता है तो वेक्टर ए की जगह ये चल रहा है वेक्टर बी की जगह क्या है थ्री बी सो इंटू थ्री और वेक्टर बी अब आप एक चीज देखो बहुत इंपॉर्टेंट यहां पे लाइन आ रही है कि ए क्रॉस बी की जो वैक्टर होती है वो परपेंडिकुलर जाती है ए और बी के ओके okay? तो अगर आप परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करोगे खुद उसके प्लेन के वेक्टर के साथ तो कितना आएगा जीरो आएगा मतलब ये वाला पार्ट पूरा का पूरा कितना हो गया ज़ीरो हो गया सो so आपके पास सी वेक्टर का स्क्वायर इतना आ जाएगा फोर ए क्रॉस बी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर ओके okay, तो यहाँ से देखिए हमारे पास मैंने यहाँ तक आपकी मदद कर दी अब इसके बाद देखिए फोर ए क्रॉस बी का स्क्वायर प्लस नाइन बी स्क्वायर और ए क्रॉस बी की वैल्यू आपको देखिए कितनी दी गई है ए क्रॉस बी का स्क्वायर कैसे निकलेगा वही साइन थीटा का फॉर्मूला लगा देंगे इसमें ए बी दिया हुआ है तो ए क्रॉस बी को भी अपन ओपन कर लेते हैं चलो अच्छी बात है मॉड ए आपको दिया गया मॉड ए क्रॉस बी वैसे निकालने के लिए आप साइन थीटा का भी फॉर्मूला लगा सकते हैं नहीं तो कोई बात नहीं यहाँ पर भी आप निकाला जा सकता है देखिए कैसे निकाल सकते हैं तो आइडेंटिटी हुआ करती है कि ए क्रॉस बी का स्क्वायर प्लस ए डॉट बी के मॉड का स्क्वायर मॉड ऑफ ए क्रॉस बी का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ ए डॉट बी का स्क्वायर इक्वल टू मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर तो यहाँ पे मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर आपको दिया गया देखिए मॉड ए स्क्वायर आपके पास आ जाएगा मॉड ए वन है और मॉड बी फोर्टीन है तो सिक्सटीन है मॉड बी का स्क्वायर सिक्सटीन हो जाएगा तो मॉड ए डॉट बी आपके पास में कितना हो जाएगा ये हो जाएगा सिक्सटीन और ए डॉट बी की वैल्यू आपको खुद में कितनी दी गई है दो दी गई है तो ए डॉट बी का स्क्वायर कितना आ जाएगा आपके पास में दो का स्क्वायर चार हो जाएगा तो ये कितना आ गया आपके पास में ट्वेल्व हो गया है ओके सो फोर मल्टीप्लाई बाई आपके पास कितना हो जाएगा ट्वेल्व ए डॉट बी का ए क्रॉस बी का स्क्वायर और प्लस नाइन इंटू सिक्सटीन दैट इज़ इक्वल टू वन नाइनटी टू तो सी की वैल्यू जो आपके पास में ए क्रॉस बी दिया गया है ए क्रॉस बी आपके पास में क्या दिया है सी सी का स्क्वायर ही चल रहा था ना तो c का स्क्वायर मतलब c के मॉड का स्क्वायर c का स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है c के मॉड का स्क्वायर तो मॉड c की वैल्यू कितनी आ गई यहां पर अंडर रूट वन नाइनटी टू दैट इज इक्वल टू एट रूट थ्री अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि b और c के बीच का एंगल पूछा गया है तो b डॉट c इज इक्वल टू बी वैक्टर डॉट सी वैक्टर आपके पास में ये है ओके सी वैक्टर आपके पास में ये है तो बी डॉट सी वैक्टर तो देखिए ये वाला पार्ट जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना हो जाएगा जीरो बिल्कुल वही थ्योरम से और केवल आपके पास क्या बचेगा माइनस थ्री बी का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू फोर्टी एट ओके तो ये आपके पास में आ गया है बी डॉट सी अब बी और सी के बीच का आपको एंगल निकालना है तो आपको पता है कॉस थीटा इज इक्वल टू वैक्टर बी डॉट सी अपॉन मॉड बी मॉड सी ये हुआ करता है तो ऊपर वाला बी डॉट सी कितना आ चुका है माइनस फोर्टी एट और मॉड भी और मॉड सी आपको दिए हुए हैं मॉड सी आपके पास मॉड भी कितना दिया है फोर एंड मॉड सी आपने निकाल रखा है कितना एट रूट थ्री सो आठ से ये गया तो छः बार ओके okay. और ये कितना हो गया अपने पास में चार से दो से तीन बार थ्री बाई कुछ गड़बड़ी हो गई मुझसे क्या चलो फिर से करता हूँ आठ से ये छः बार गया और दो से दो बार और ये तीन बार तो आंसर कितना आया माइनस रूट थ्री अपॉइन टू और थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा देखिए कॉस् थीटा आ रहा है माइनस रूट थ्री अपॉइन टू मतलब वन एट्टी माइनस थर्टी दैट इज इक्वल टू वन फिफ्टी डिग्री सो आंसर कितना आएगा फाइव बाई सिक्स तो बच्चों ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन इसकी प्रैक्टिस करिए बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे ये ओके थर्टी क्वेश्चन डन नाउ थर्टी वन क्वेश्चन करते हैं एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन द एरिया ऑफ द पैलोग्राम वूज़ एट दट सेम साइड एक साइड ये दी गई है एक साइड ये दी गई है आपको पता है फॉर्मूला ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड तो सीधे ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकाल दो आंसर आ जाएगा इसमें कुछ करना भी नहीं है अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन आपके पास कहा गया है कि इफ एक्स डॉट एन इक्वल टू एक्स डॉट बी इक्वल टू एक्स डॉट सी इक्वल टू जीरो ओके मतलब आपके पास क्या कह रहा है कि एक्स डॉट ए एक्स डॉट बी एक्स डॉट सी इक्वल टू जीरो तो पहली चीज़ तो ये जान लो कि तीन वेक्टर के साथ आपके पास में डॉट प्रोडक्ट जीरो रहा और मजे की बात है x नॉन जीरो है मतलब ये तीनों वेक्टर जो हैं तीनों वेक्टर के x क्या होगा परपेंडिकुलर होगा अगर तीन वेक्टर परपेंडिकुलर हो रहा है एक साथ तीन वेक्टर के परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब ये तीनों एक ही प्लेन में है वेक्टर मतलब वेक्टर ए वेक्टर बी और वेक्टर सी क्या है कोप्लेनर है क्या है ये कोप्लेनर अब आपसे कह रहा है कि ए क्रॉस बी बी क्रॉस सी और सी क्रॉस ए तो यदि आपको शॉर्ट ट्रिक याद हो तो ए क्रॉस बी बी क्रॉस सी और सी क्रॉस ए का जो वैल्यू होती है वो होती है मॉडे मॉड बी मॉड सी का होल स्क्वायर और यदि एक ओप्लेनर है तो सॉरी मॉडे मॉड बी मॉड बी मॉड सी नहीं बॉक्स ए बी सी का होल स्क्वायर इसको बॉक्स बोलते हैं जिसको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के नाम से भी जाना जाता है सो दिस इज इक्वल टू बॉक्स ए प्लस बी प्लस सी सॉरी ओनली ए बी सी का स्क्वायर एंड हीयर ए बी सी बॉक्स द वैल्यू ऑफ बॉक्स ए बी सी इक्वल्स टू जीरो सो इट बिकम जीरो टू दिस पावर टू Answer equals to zero, so fourth answer will be the answer. So let's check. Yeah, so this is the fourth. So x square dot a x dot b x dot c equals to zero for non-vector D. This means a box abc equals to zero. Three three vector should be coplanar. So this answer equals to zero. Done. Moving to the next question. B cross c, c cross a, a cross b. So again, it is equal to box abc square. It should be equal to box abc square. This question is related to the scalar triple product. ओके okay. सो so, इसको ऊपर ले आते हैं यस डन सो ए बी क्रॉस सी सी क्रॉस ए ए क्रॉस बी अगेन इट इज़ इन साइक्लिक ऑर्डर सो ए क्रॉस बी बी क्रॉस सी सी क्रॉस ए आप इसको लिख सकते हैं ए क्रॉस बी बी क्रॉस सी एंड सी क्रॉस ए बिकॉज इन अ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट देयर इज़ नो चेंज इन साइन वेन एवर यू परफॉर्मिंग द मल्टीप्लीकेशन कीपिंग दिस फैक्ट इन यूर माइंड द ऑर्डर शुड बी इन क्लॉकवाइज मतलब सेम ऑर्डर साइक्लिक ऑर्डर ए बी सी सो वट विल बी द आंसर आंसर विल बी बॉक्स ए बी सी का होल स्क्वायर एंड दिस विल बी इक्वल्स टू ऑप्शन नंबर थ्री डन गाइज नाउ फॉर द मोर कैलकुलेशन वी कैन गो थ्रू दिस बी क्रॉस सी सी क्रॉस ए क्रॉस बी टेकिंग बी क्रॉस सी आउटसाइड इक्वल टू सी क्रॉस ए डॉट ए क्रॉस बी इनसाइड ओके नाउ वन बाई वन परफॉर्म मल्टीप्लीकेशन सी क्रॉस ए डॉट ए क्रॉस बी किस तरीके से ओपन होगा देखो ये तो हमको सी क्रॉस ए को ए क्रॉस बी के साथ मल्टीप्लाई यदि करना है तो हम किस तरीके से ओपन करेंगे सबसे पहले मैं इस वेक्टर को ले लेता हूँ इसको आप कंप्लीटली वाई सपोज़ कर लो अगर आपको प्रॉब्लम हो रही तो इसको वाई सो so वाई किसके साथ बैठता है बी के साथ सो यू कैन राइट सी क्रॉस ए बी और ए आउटसाइड बैठता है देन सी क्रॉस ए एंड बी आउटसाइड तो इसकी वैल्यू तो देखते ही क्या हो रही है जीरो एंड दिस विल बी सी क्रॉस ए बी सो सी ए बी टाइम्स ए सी ए बी टाइम्स ए आप डॉट प्रोडक्ट है सो आप ए को आगे लिख सकते हो ए ऑर्डर देखो सी के बाद ए के बाद सी सो यू कैन राइट इट ए बी सी ए बी सी नाउ वंस अगेन बी क्रॉस सी ए ये ए आउटसाइड बैठा है बी बी क्रॉस सी ए सो सो क्या बन जाएगा ये तो ए बी सी हो चुका है वेट वेट करिए थोड़ा सा यहाँ पे ओके सो वाई आई वॉज गेटिंग कन्फ्यूज़ एक्चुअली यहाँ पे डॉट नहीं लगाया क्वेश्चन में इसलिए सो ए बी सी इक्वल्स टू ए डॉट बी क्रॉस सी इसलिए मुझे डॉट नहीं मिल रहा था सो आई वॉज़ कन्फ्यूज़ तो यहाँ पे सब में डॉट लगेगा नाउ नाउ डॉट लगेगा ओके सो बी सी ए ये बन जाएगा सो बी क्रॉस सी डॉट ए दैट इज इक्वल टू अगेन बी सी ए एंड बी सी ए इक्वल्स टू अगेन कितना ए बी सी सो ए बी सी इंटू ए बी सी दैट इज इक्वल टू ए बी सी का स्क्वायर सो इट इस फाइन नाव अब ये कंप्लीट हो चुका है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं नाव अ यूनिट वैक्टर कोप्लीनर विद दिस दिस एंड परपेंडिकुलर टू दिस आपको बताना है कि एक यूनिट वैक्टर जो कि इसके इसके कोप्लीनर है और इसके परपेंडिकुलर तो सबसे पहले परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा तो डॉट प्रोडक्ट में देखिए किसका आंसर जीरो आ रहा है तो जो पहला ऑप्शन दिख रहा है मुझे इसका आंसर मुझे जीरो दिखाई दे रहा फर्स्ट ऑप्शन का आंसर जीरो दिखाई दे रहा बाकी मुझे किसी का आंसर जीरो नहीं दिखा रहे आई विल गो विद ऑप्शन नंबर वन एंड इट इज़ करेक्ट बिल्कुल सही है तो बड़ी मेथड से क्यों जाना जब छोटी मेथड आपके पास शॉर्ट ट्रिक अवेलेबल है ओके okay? एंड यहाँ पर मैंने लिख रखा दिस क्वेश्चन कैन बी डन बाय द शॉर्ट ट्रिक सो अवेक्टर को ब्लिनर विद दिस एंड परपेंडिकुलर टू दिस इज इक्वल टू ये हो गया ओके okay, अब यदि बात करते हैं पूरी मेथड की आई यूनिट वेक्टर को प्लेनर विद दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर मतलब ये तो कि ये जो यूनिट वेक्टर है ये दो वेक्टर के कोप्लेनर है ओके इसके और इसके दो वेक्टर के कोप्लेनर है और इसके परपेंडिकुलर है और इसके फुल मेथड की बात करते हैं यदि फुल मैथड किया जाए सो दैट यूनिट वैक्टर इक्वल टू दिस ओके और अगर ये किसके परपेंडिकुलर है आई कैप के जे कैप प्लस के कैप के तो ये देखो इसका पहली रिलेशनशिप बन जाएगी ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो अब कह रहा है कि इसके ये पेनर है दो वैक्टर के तो दो वैक्टर के अगर कोप्लेनर है तो क्या कंडीशन बनेगी बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ द थ्री वैक्टर इक्वल टू जीरो नाउ आपके पास में एक कंडीशन ये बन चुकी है और एक कंडीशन आपके पास में ये बन चुकी है मतलब हमारे पास दो इक्वेशन नहीं मिली ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो एंड दूसरा इक्वेशन है कितना माइनस थ्री ए प्लस वैक्टर बी प्लस वैक्टर सी इक्वल टू जीरो दो इक्वेशन आपके पास में है अब फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू वी गेट ए इक्वल टू जीरो एंड सी इक्वल्स टू माइनस बी अभी इसको सॉल्व करने का तरीका है ओके अगर आप पर्टिकुलरली ए की वैल्यू यदि यहाँ पे जीरो रख रहे हो अगर ए की वैल्यू आप यदि ज़ीरो रख रहे हो तो यदि फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू वी गेट ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू सॉरी वी गेट ए इक्वल टू जीरो एंड सी इक्वल टू माइनस बी कह रहा है कि इक्वेशन वन एंड टू से वी गेट ए इक्वल्स टू जीरो एंड बी इक्वल्स टू माइनस सी तो ए इक्वल्स टू जीरो कह रहे हैं ये देखो कैसे यहाँ पे यदि मैं बी प्लस सी की इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन से मेरे पास बी प्लस सी आ रहा है तो बी प्लस सी इक्वल्स टू कितना माइनस है और मैं यदि यहाँ पर उठा करके माइनस से पुट कर देता हूँ सो माइनस थ्री है एंड बी प्लस सी की जगह माइनस ए इक्वल टू ज़ीरो ओके सो so, कितना हो जाएगा माइनस फोर ए इक्ल्स टू जीरो जिससे मेरे पास कितना आ गया ए क्वल्स टू जीरो आ गया है अब ए क्वल्स टू जीरो पुट करने पर मेरे पास क्या कंडीशन बनेगी ए क्वल्स टू जीरो पुट करने पर मेरे पास कंडीशन बनेगी बी प्लस सी इक्वल टू जीरो सो बी इक्वल टू माइनस सी कह लो या सी इक्वल टू माइनस बी कह लो अब देखो आपकी ये मदद करने वाला है कैसे आप जानते हो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो है और आपके पास ये यूनिट वेक्टर ऑलरेडी दे रखा है ओके सो यूनिट वैक्टर है तो ये कंडीशन और है आपके पास कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू वन सो यूजिंग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस स्क्वायर इक्वल टू वन आपके पास ए कितना है जीरो बी बी की जगह बी स्क्वायर सी की जगह बी स्क्वायर सो बी टू कितना आ गया वन अपॉन रूट टू तो इफ बी इक्वल टू वन अपॉन रूट टू तो सी इक्वल टू कितना आएगा आपके पास माइनस वन अपॉन टू सी की वैल्यू आ जाएगी नाउ ए आई कैप्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप इक्वल टू जीरो प्लस वन अपॉन टू जे कैप प्लस माइनस वन टू के कैप तो इस तरीके से ही आपका आंसर आ चुका है रूट टू कॉमन लेके बाहर नीचे कर दीजिए आई ए जे कैप माइनस के कैप ओके डन अच्छी मेथड है इसको पूरा कर सकते हैं आप लोग अपनी कॉपी में ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव इफ ए बी सी आर द थ्री वैक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर फ्रॉम फॉर्म आर राइट हैंडेड सिस्टम एंड मॉडल वैक्टर इक्वल टू वन मॉडल वैक्टर भी इक्वल टू थ्री मॉडल वैक्टर इक्वल टू फाइव देन ए माइनस टू बी बी माइनस थ्री सी एंड सी माइनस फोर ए की वैल्यू आपसे पूछी गई कि इस तीनों वेक्टर की वैल्यू क्या होगी ओके क्रॉस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आपसे पूछा गया तो आइए सॉल्व करते हैं दिस 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 गिवन। नाउ ए माइनस टू बी डॉट दिस मल्टीप्लाई बाई दिस इसको ओपन कर लेता हूँ बी क्रॉस सी एंड फोर बी क्रॉस ए बी मल्टीप्लाई बाई फोर ए दैट इज इक्वल टू फोर बी क्रॉस ए माइनस का एंड थ्री सी क्रॉस थ्री सी तो ज़ीरो हो गया एंड देन थ्री फोर ज ट्वेल्व सी क्रॉस ए नाउ अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करा गया देखिए बी क्रॉस सी एंड सी क्रॉस ए इसको यदि हमें सिंप्लीफाई करना है तो किसको किस तरीके सिंप्लीफाई किया गया है ओके तो देखिए हम लोग कहाँ तक आ गए थे इस क्वेश्चन में हम लोग देखे थे कि एक माइनस टू बी बी माइनस थ्री सी सी माइनस फोर ओके देखो इस क्वेश्चन को देखो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एक लाइन दी गई जिसकी वजह से सॉल्व हो पाएगा क्वेश्चन का कहना है इफ ए बी एंड सी आर द थ्री वैक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच आर फॉर्म राइट हैंडेड सिस्टम तो यहाँ पर ये लाइन जो लिखी हुई है टू फॉर्म राइट हैंड सिस्टम भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि मतलब वैक्टर ए वैक्टर बी और वैक्टर सी जो है ये राइट हैंडेड सिस्टम बना रहे हैं ओके राइट हैंड का सिस्टम बना रहे हैं मतलब कि अगर ए बी की तरफ रोटेट होगा तो ए क्रॉस बी आपको क्या जनरेट करके देगा सी जनरेट करके देगा ये चीज़ यहाँ पर है अगर बी सी की तरफ जनरेट होगा ओके okay, अगर आपके पास बी सी की जनरेट होगा तो क्या जनरेट करके देगा आपको ए जनरेट करके देगा एंड मॉड ए मॉड बी मॉड सी की वैल्यू आपको दी गई है और आपको ये वैल्यू निकालनी थी बॉक्स प्रोडक्ट आपको उसके निकालना था तो देखिए बॉक्स प्रोडक्ट निकालने के लिए हमने क्या कर दिया हमने इसको ए माइनस टू बी और बी माइनस थ्री सी क्रॉस सी माइनस फोर ए कर दिया तो बी क्रॉस सी हो गया ये पहला फिर फोर ए क्रॉस फोर बी क्रॉस ए हो गया देन इसके बाद ये कितना हो गया देखिए अपने पास में से थ्री सी का थ्री सी के साथ क्रॉस हुआ तो जीरो हो गया एंड थ्री फोर जै ट्वेल्व प्लस का ट्वेल्व सी क्रॉस ए हो गया अब देखो बी और सी के परपेंडिकुलर वेक्टर कौन है ए तो बी और सी के बी क्रॉस सी अभी मैंने बताया था कि बी क्रॉस सी जो है किसके इक्वल है ए के इक्वल बिकॉज राइट हैंडेड सिस्टम ये कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं नाउ बी क्रॉस ए देखो बी क्रॉस ए तो B जो है A की तरफ घूम रहा है और साथ में माइनस लगा है तो ध्यान से सुनो जब A क्रॉस B C होता है तो बी क्रॉस है कितना हो जाएगा माइनस सी इसकी वजह से ये माइनस सी प्रोड्यूस करेगा माइनस माइनस कितना हो गया फोर सी एंड ट्वेल्व सी क्रॉस है दैट इज इक्वल टू ट्वेल्व बी बिकॉज सी ए की तरफ घूमेगा तो क्या प्रोड्यूस करेगा बी प्रोड्यूस करेगा सो so इस तरीके से अब आपके क्या करना है अब आपको करना है इसका डॉट प्रोडक्ट तो ए डॉट ए फिर ए डॉट कितना हो जाएगा फोर सी तो आपको पता है कि दोनों परपेंडिकुलर हैं तो ए और सी का डॉट कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा फिर बी की बारी आ गई तो बी डॉट ए भी जीरो हो गया बी डॉट फोर सी भी जीरो हो गया एंड बी फाइनली किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा ट्वेल्व बी के साथ तो माइनस ट्वेल्व इंटू टू ट्वेंटी फोर सो कुल मिला के आंसर कितना आ गया वन माइनस ट्वेंटी फोर ए डॉट बी और बी डॉट बी तो बी का स्क्वायर हो जाएगा और मॉट बी कितना दिया है थ्री सो बी का स्क्वायर हो जाएगा नाइन सो दैट इज इक्वल टू वन माइनस ट्वेंटी फोर इंटू नाइन सो आंसर कितना आ गया माइनस का टू हंड्रेड फिफ्टीन ऑप्शन नंबर फोर ओके सो करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन नंबर फोर ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था और न्यू कंसेप्ट का क्वेश्चन था सो आई वुड लाइक टू से दिस क्वेश्चन इज़ न्यू ये क्वेश्चन नई कैटेगरी का क्वेश्चन है डन ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते देखिए ए क्रॉस बी बी क्रॉस सी सी क्रॉस ए लैमडा ए टाइम्स बी टाइम्स सी का स्क्वायर तो सबको याद होगा कि इट इज़ इक्वल टू ए बी सी का डायरेक्टली स्क्वायर होता है तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी ऑप्शन नंबर टू वन और बाकी इसके मेथड का तरीका कई बार ऐसे क्वेश्चन को हम करा चुके हैं ए क्रॉस बी को बाहर रखिए बी क्रॉस सी सी क्रॉस ए को ओपन कर दीजिए ओके okay? और इसको कंप्लीट को के मान लीजिए तो देखिए किस तरीके से ओपन होगा के पहले जाएगा ए के साथ तो के डॉट ए क्रॉस सी एंड के डॉट सी के डॉट सी टाइम्स ए के की वैल्यू रख दीजिए तो बी सी ए बन जाएगा ये और ये क्या बन जाएगा बी सी सी जो कि जीरो होता है बी सी ए को लिख सकते हैं हम ए सी और सी बाहर है तो सी को इसके साथ दे दीजिए तो ए बी सी एक बार ए बी सी दो बार तो कितना हो जाएगा अपने पास में ए बी सी का होल स्क्वायर यस बट गिवेन ये दिया है तो कंपेयर करने पर लेमडा की वैल्यू कितनी आ रही आ रही है और सोल्यूशन देख लीजिए काफ़ी तेज करा रहा हूँ क्योंकि आपसे बनता होगा ये चलिए अगला देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है ए क्रॉस ए क्रॉस बी की वैल्यू कितनी होगी तो देखो भाई यदि अंदर से सॉल्व किया जाए तो ए क्रॉस बी का क्रॉस प्रोडक्ट ए के साथ निकालना है तो ए क्रॉस बी जो है ए क्रॉस बी का क्रॉस प्रोडक्ट आपको ए के साथ निकालना है तो इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे सबसे पहले इसको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से अपन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट नहीं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट से अंदर वाले को ओपन कर देंगे तो देखिए वेक्टर वाले से अंदर ओपन कर देंगे तो ए डॉट बी टाइम्स ए माइनस ए डॉट ए देखिए ए डॉट बी टाइम से माइनस ए डॉट ए टाइम्स बी होगा ये थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है ए डॉट बी टाइम से माइनस ए डॉट ए टाइम्स यहाँ पे ए आ जाएगा ओके नाउ अब देखिए यहाँ पे यहाँ आपके पास क्या बन चुका है ए बी टाइम्स ऑफ ए एक्सपेंडिंग वैक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट अब कह रहा है कि वैक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट को यदि हम एक्सपेंड कर दें तो तो देखिए कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है टर्मिनोलॉजी केवल डिफिकल्ट दी गई है ये ए डॉट बी जो है कांस्टेंट क्वांटिटी है तो क्रॉस आपको खोलना है तो ए डॉट बी को बाहर ले लीजिए और क्रॉस अंदर खुलेगा तो किसके साथ जाएगा ए क्रॉस ए के साथ जो कि जीरो प्रोड्यूस करेगा फिर ए डॉट ए को बाहर ले लीजिए जो कि मॉड ए का स्क्वायर बन जाएगा और ए किसके साथ जाएगा ए क्रॉस बी के साथ बिकॉज यहाँ पे टाइम्स वैक्टर बी है और ये टाइम्स वेक्टर ए है तो क्रॉस खुल जाएगा ए क्रॉस बी के साथ तो फाइनली रिजल्ट क्या बन गया आंसर इसका कितना ऑप्शन नंबर फोर डन अगला क्वेश्चन देखते हैं देखिए so अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है इफ ए इक्वल टू दिस बी इक्वल टू इक्वल टू आई कैप देन ए क्रॉस बी क्रॉस सी इक्वल टू लेमडा ए प्लस म्यू बी तो लेमडा और इसकी वैल्यू निकालनी अब ध्यान से एक चीज़ देखेगा कि यहाँ पे जो आपके पास रिजल्ट है वो लेमडा और ए और बी के कोपिशियंट कौन है लेमडा और म्यू है मतलब आई कैप जे कैप के कैप के कोपिशियंट नहीं है ए और बी के कोपिशियंट हैं ओके दैट इज इक्वल टू लेमडा एंड म्यू तो आपको लेमडा और म्यू की वैल्यू यहाँ पर निकालने को बोली गई है सोचिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को तो देखिए आपके पास में क्या क्या है ए क्रॉस बी है और क्रॉस सी है तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी किस तरीके से खुलेगा ए क्रॉस बी क्रॉस का सी तो ये होता है सी वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए टाइम्स वेक्टर बी माइनस सी डॉट बी टाइम्स ए तो आपको पहले सी डॉट ए चाहिए है और सी डॉट बी चाहिए यहाँ पुट करने के लिए तो ए डॉट सी निकाल लिया और बी डॉट सी निकाल दिया अब देखिए वैल्यू सी डॉट ए टाइम्स बी माइनस सी डॉट ए बी टाइम्स ए जो कि बन रहा है म्यू बी लेमडा वैक्टर ही देखने में टफ लग रहा था क्वेश्चन का मतलब म्यू जो आएगा वो किसके इक्वल होगा सी डॉट ए के इक्वल जो कि आया है वन तो म्यू की वैल्यू हो गई वन और सी डॉट बी किसके इक्वल होगा लेमडा के इक्वल तो लेमडा की वैल्यू कितनी आ रही है माइनस सी डॉट बी क्यों क्योंकि ऑप्शन जो है आपके पास म्यू वैक्टर बी प्लस लेमडा वैक्टर ए के टाइम्स में है तो घबराना नहीं है जल्दी से तो लेम्डा क्या हो जाए यहाँ पे प्लस चाहिए तो इस माइनस को हम अंदर लेकर के आएंगे ओके माइनस सी डॉट बी दू माइनस वन तो म्यू प्लस की वैल्यू बोली गई है तो म्यू प्लस इक्वल टू वन प्लस माइनस वन दैट इज इक्वल टू जीरो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं देखिए यहां पे क्या कहा गया है इफ ए क्रॉस बी क्रॉस सी इक्वल टू माइनस फाइव ए प्लस फोर वेक्टर बी तो आपको ए क्रॉस बी क्रॉस सी की वैल्यू फाइंड करनी है तो सबसे पहले ए क्रॉस बी क्रॉस सी को आप ब्रेक करिए सो ये कितना बनेगा ए डॉट सी टाइम्स बी माइनस माइनस सॉरी ए डॉट सी टाइम्स बी माइनस बी डॉट सी टाइम्स ए या सी डॉट बी टाइम्स ए ए सो दैट इज इक्वल टू माइनस फाइव वैक्टर ए प्लस फोर वैक्टर बी दिया है so तो कंपेयर कर लीजिए तो ए डॉट सी इक्वल टू कितना आ गया ए डॉट सी इक्वल्स टू आ जाएगा फोर बिकॉज ये बी का कोफिशियंट है एंड माइनस से माइनस एलिमिनेट हो जाएगा एंड सी डॉट बी जो ए का क्वेश्चन इक्वल टू कितना आ गया फाइव सो सी डॉट इक्वल टू बी सी इक्वल टू फाइव ना ए डॉट बी क्रॉस एडी मैं ओपन करता हूँ तो ए डॉट सी टाइम्स बी माइनस ए डॉट बी टाइम्स सी हो जाएगा ए डॉट सी की वैल्यू कितनी मिल चुकी है मेरे को फोर मिल चुकी है सो दिस इज इक्वल टू फोर वैक्टर बी एंड ए डॉट बी की वैल्यू जो कि थ्री गिवन है क्वेश्चन में दैट इज इक्वल टू थ्री वैक्टर सी सो करेक्ट आंसर इसका कितना आ जाएगा फोर वैक्टर बी माइनस थ्री टाइम्स ऑफ वैक्टर सी चलिए दोस्तों तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते देखिए यहाँ पे कह रहा है कि द मोमेंट ऑफ द पॉइंट एम मोमेंट अबाउट द पॉइंट एम माइनस टू फोर सिक्स तो सबसे पहले देखिए इन क्वेश्चंस को लैंग्वेज समझिए थोड़े फिजिक्स के क्वेश्चन है तो ये आपके पास वो एम पॉइंट है जिसके अबाउट आपको फोर्स को रोटेट करना ओके मतलब इस पॉइंट के अबाउट आपको मोमेंट निकालना है बट फोर्स आपका किस पॉइंट पर लगाना है वेयर द पॉइंट ए एंड बी कैर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड पोजीशन ए बी वेयर द पॉइंट ए एंड बी हैव द कोऑर्डिनेट इतना एंड इतना तो आपके पास पॉइंट ए जो है ये इतना दिया गया है और पॉइंट बी आपको इतना दिया गया है, तो आपको फोर्स लगाना है पॉइंट ए पर तो ये डिस्टेंस बनेगी ये बनेगी वैक्टर आर और ये बनेगा वैक्टर एफ तो आपके पास क्या आएगा टॉर्क कह लो मोमेंट कह लो इज इक्वल टू आता है आर क्रॉस एफ जिसको आप यहाँ पर फाइंड कर सकते हो एम ए ओके एम ए क्रॉस ए बी तो आपको दो वेक्टर यहाँ पे आपको निकालने पड़ेंगे दो वेक्टर एक आपको निकालना पड़ेगा एम ए करॉस ए बी तो एम ए आपने निकाल लिया है ओके और तो मोमेंट ऑफ द फोर्स इक्वल्स टू एम ए करॉस एफ को यहाँ पे ए बी का नाम दे दिया गया है ओके एफ वेक्टर इक्वल टू ए बी अब आप इसके बाद सिंपली है टॉर्क का फॉर्मूला लगा दीजिए टॉर्क इक्वल टू एम ए क्रॉस एफ़ से आप इसको सॉल्व कर लीजिए आपके पास आंसर आ जाएगा तो करेक्ट आंसर क्या है ऑप्शन नंबर वन एट आई कैप माइनस नाइन जे कैप माइनस फोर्टीन के कैप दिस इज़ द करेक्ट आंसर चलिए डन अगला क्वेश्चन देखते हैं देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है इफ ए बी सी आर द नॉन कोप्लेनर वेक्टर एंड इफ डी इज सच दैट डी इक्वल टू वन अपॉन एक्स ए वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी एंड डी इक्वल टू वन अपॉन वाई बी प्लस सी प्लस डी वे आर एक्स एंड वाई आर द नॉन जीरो नंबर एक्स अपॉन एक्स वाई ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का मान क्या होगा यहां पर यह पूछा जा रहा है ओके okay? तो देखिए दो वैक्टर्स आपको दिए गए हैं एक तो डी दिया गया है वन अपॉन एक्स वैक्टर ए प्लस बी प्लस सी एंड डी इक्वल टू वन अपॉन वाई बी प्लस सी प्लस डी वेयर एक्स एंड वाई आर नॉन जीरो रियल नंबर्स तो एक्स वन अपॉन एक्स वाई ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी कैसे सॉल्व होगा देखिए सबसे पहले आपके पास डी की वैल्यू ये दी गई है डी की वैल्यू आपके पास ये दी गई है ठीक है ना डी की दो वैल्यूज आपके पास दी गई हैं डी की वैल्यू एक वैल्यू वन अपॉन एक्स के टर्म्स में एक वैल्यू वन अपॉन्ट वाई के टर्म्स में है तो यदि आप इसको सिंप्लीफाई कर लें तो एक्स ए प्लस एक्स वैक्टर डी यदि देखा जाए तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू एक्स वैक्टर डी हो जाएगा तो माइनस एक्स वैक्टर डी इक्वल टू कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा और इससे क्या आ जाएगा बी प्लस सी प्लस डी माइनस एक्स वैक्टर डी सॉरी वाई वैक्टर डी इक्वल टू जीरो ओके वाई वैक्टर डी इक्वल टू ज़ीरो अब आपके पास एक में ए बी सी है और एक में आपके पास क्या है बी सी डी है अब दूसरी कंडीशन आपके पास क्या दी गई है देखिए तो दो सिचुएशन तो आपके पास यहाँ पे ए बी सी और बी सी डी के टर्म्स में यहाँ पे दो सिचुएशन आ चुकी हैं ठीक है ना अब आपके पास जो एक कंडीशन आपको दी गई है स्टार्ट में वन अपॉन एक्स वाई वन अपॉन एंड डी इक्वल टू ए बी सी और डी इक्वल टू वन अपॉन वाई ये चलो ये तो हमने कर लिया अब आपको कह रहा है कि वन अपॉन एक्स वाई ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी क्या होगा तो सबसे पहले हम क्या करते हैं हम ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी निकाल लेते हैं हम यहाँ पे से ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी निकालते हैं देखिए किस तरीके से निकलेगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी स्टूडेंट देखिए यहाँ तक तो ये दो लाइंस क्लियर हैं इसके बाद थोड़ी सी यहाँ पर कुछ मिसिंग हो रही है तो इस क्वेश्चन को हम लास्ट में देखते हैं ओके okay? यहाँ पर क्वेश्चन में कोई थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है चलिए आइए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द वैक्टर्स टू टू आई क्लब थ्री जे कैप ये पहला वैक्टर दिया ये दूसरा दिया है एंड दिस वैक्टर हैव द इनिशियल पॉइंट वन कॉमा वन कह रहा है कि इन तीनों वैक्टर का जो इनिशियल पॉइंट है ये वन कॉमा वन है और कह रहा है कि लेमडा फाइंड करो सो दैट द वैक्टर टर्मिनेट ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन मतलब आपको कह रहा है कि पोजिशन फाइंड ऐसी कंडीशन फाइंड करो जिससे कि सभी वैक्टर जो हैं सेम स्ट्रेट लाइन पे टर्मिनेट हो है। तो रहे हैं तो चलिए देखिए अलग अलग पॉइंट्स को यदि मैं ले लूँ तो ये पॉइंट आपके पास कितना बन रहा है टू कामा थ्री एक पॉइंट आपके पास बन रहा कितना फाइव कॉमा सिक्स और एक पॉइंट आपके पास कितना बन रहा है एट कॉमा लेमडा तो यदि मैं कंडीशन निकालूं इनकी कोलिनियरटी की तो देखिए फाइव माइनस टू मतलब कि ठीक बिना थ्री आई कैप प्लस सिक्स माइनस थ्री मतलब कि थ्री जे कैप एक तो ये बनेगा और इसका यदि मैं निकालू एट माइनस फाइव तो ये कितना बन जाएगा थ्री आई कैप और लैमडा माइनस सिक्स प्लस लेमडा माइनस सिक्स जे कैप अब देखिए कंडीशन क्या होती है पैरलिटी लग जाएगी बिकॉज एवन अपॉन एट इक्वल टू बी एवन अपॉन सो थ्री अपॉन थ्री इक्वल टू थ्री अपॉन लेमडा माइनस सिक्स सो कुल मिला के ही वन हो जाएगा लेमडा माइनस सिक्स इक्वल टू तो थ्री हो जाएगा तो लेमडा इक्वल्स टू तो कितना आना चाहिए नाइन सो द करेक्ट आंसर विल बी लेमडा इक्वल्स टू नाइन लेट्स चेक द आंसर बिल्कुल सही है भाई साहब लेमडा की वैल्यू नाइन आ गई <coughs> चलिए अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन कह रहा है इफ़ ए इक्वल्स टू ए आई के प्लस जे के प्लस पी के कैप एंड बी इक्वल टू इतना है देन ए प्लस बी इक्वल टू ए मॉड ए प्लस मॉड बी अब एक चीज़ देखो आप कि ए प्लस बी इक्वल टू मॉड ए प्लस मॉड बी तब हो सकता है जब आपके पास में दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना होगा जीरो होगा दोनों वेक्टर के बीच के एंगल कितना होगा ज़ीरो होगा तो अगर दोनों वेक्टर के बीच का एंगल जीरो होगा ओके तब आपके पास में मॉड ए प्लस बी इक्वल टू मॉड ए प्लस मॉड बी हो जाएगा एक चीज़ तो ये है तो कॉस थीटा इक्वल टू यदि थीटा यदि ज़ीरो डिग्री है तो ए डॉट बी इक्वल टू कितना आ जाएगा मॉड ए इन् टू मॉड बी आ जाएगा तो यदि उस तरीके से हम करते हैं तो हम देखते हैं यदि उस तरीके से यदि इस क्वेश्चन को किया जाए तो क्या आएगा आंसर ये भी देख लेता हूँ मैं है ना तो क्या कंसेप्ट आया अपने पास ए डॉट बी इक्वल टू मॉड ए इं मॉड बी चलिए सो बिकॉज यहाँ पे कह रहा जा रहा है कि ए प्लस बी इक्वल्स टू मॉडे मॉड बी तो क्लियर है कि भाई दो वेक्टर का सम दो उनके अलग अलग के इक्वल है मतलब दोनों वेक्टर क्या यहाँ कोलिनियर है अच्छा कोलिनियर का कंसेप्ट लग जाएगा भाई ये तो बहुत ही आसान हो गया कोलिनियर हो गए तो ए वन अपॉन ए टू बी वन अपॉन बी टू का कंसेप्ट लग जाएगा सो so अपने पास में क्या है आई कैप ए वन अपॉन ए टू इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू के कंसेप्ट से यदि देखें अपन सो so यह है कोफिशेंट वन है यहाँ पे वन है यहाँ पे भी वन है यहाँ पे भी वन है और यहाँ पे p है और यहाँ पे कितना है वन है तो अगर कोलिनियर है तो p इक्वल टू वन तो आंसर इसका फोर होना चाहिए बिल्कुल सही है आंसर फोर है थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूँ अच्छा यहाँ पर इन्होंने क्या कंडीशन लगाई है यहाँ पर इन्होंने डिस्टेंस वाली कंडीशन लगा ली है तो मॉड ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू मॉड ए प्लस मॉड बी दोनों वेक्टर को जोड़ करके कंडीशन लगा दी और पी की वैल्यू सॉल्व करी है तो वैल्यू पी की वन आ चुकी है तो ये भी एक कंडीशन हो सकती है बट कोलिनियर के लिए बेस्ट मैं कहूँगा आप ए वन अपॉन एटू इक्वल टू बी वन अपॉन बीट टू इक्ल टू सी वन अपॉन सी टू लगाइए चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर फोर्टी फोर है जिसमें कह रहा है ए दिया है बी दिया है सी दिया है देन व्हाट इज द वेक्टर पैरेलल टू ए प्लस बी माइनस सी इन द अपोजिट डायरेक्शन तो आपको क्या करना है ए प्लस बी माइनस सी का वेक्टर बनाइए और आप क्या लेंगे इसका यूनिट वेक्टर लेंगे व्हाट इज द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू दिस एन इज अपोजिट तो पहले आप इस वेक्टर को बनाइए फिर इसका यूनिट वेक्टर निकालिए और उस यूनिट वेक्टर को निगेटिव साइन दे दीजिए तो आंसर आ जाएगा तो देखिए क्या करा आपने आपने इस वेक्टर का नाम ले लिया क्या ए प्लस बी माइनस सी आपने एक वेक्टर बना लिया तो ए प्लस बी माइनस सी का नाम आपने ले लिया डी ओके ये आपने इसका नाम डी ले लिया है तो ये सम करने के बाद आपके पास जो पॉइंट आएगा वो कितना आ जाएगा आपके पास टू वन माइनस टू और कैसे आया देख लीजिए ये टू है ये वन है और ये फाइव है तो टू वन एंड फाइव एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड ए प्लस बी माइनस सी हाँ ठीक है ना ए प्लस बी माइनस सी तो टू और वन को ऐड कर दीजिए थ्री और थ्री माइनस फाइव कितना आ जाएगा माइनस का टू आ जाएगा तो बिल्कुल सही है तो जो पॉइंट आपके पास ए बी प्लस सी का ही आ गए हैं मतलब ए पी प्लस सी जो वेक्टर आएगा वेक्टर डी इक्वल टू माइनस टू आई कैप प्लस जे कैप और माइनस का टू के कैप बन गया अब आप इसका यूनिट वेक्टर निकालेंगे तो यूनिट वेक्टर इसका ये आ चुका है वन अपॉन थ्री एंड दिस और इसका अपोजिट डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कहना है तो जो आपको डी कैप निकलेगा फाइनली वो माइनस डी कैप निकालना है सो माइनस वन अपॉइंट थ्री करके कर, कर दीजिए तो आपका आंसर कितना आ जाएगा अपोजिट डायरेक्शन का हो जाएगा माइनस साइन का आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया कितना प्लस टू हो गया ये माइनस वन हो गया और ये प्लस टू हो गया तो इस तरीके से ये आपका आंसर हो गया सो सिंपल क्वेश्चन चलिए अगला क्वेश्चन देखिए फिर से कोलनियरटी के कन्सेप्ट में जिसमें आपसे पूछा गया फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ एम द पॉइंट दिस विद पोजिशन वैक्टर आपके सामने दिए गए फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ एम द पॉइंट विथ पोजिशन वैक्टर टेन थ्री ट्वेल्व माइनस फिफ्टीन एन फाइव एलेवन और कोलिनियर तो एक ट्राइंगल का एरिया का भी कंसेप्ट लग सकता है या मेरा फेवरेट जो है आप वो लगाइए ये क्या है टेन कॉमा थ्री ये पॉइंट आपके पास ट्वेल्व कॉमा माइनस फाइव और तीसरा पॉइंट आपके पास क्या दिया है एम कॉमा बस गलती मत करिएगा कोऑर्डिनेट्स लिखने में ऑब्वियस गलती हो जाती चलिए ए वन अपॉन ए टू निकाल लीजिए बी वन अप ट्वेल्व में से टेन गए कितना बचेगा अपने पास में ट्वेल्व में से टेन गए तो ये 12 ट्वेल्व माइनस टेन टू बचेगा एंड माइनस फाइव माइनस थ्री कितना निकलेगा माइनस एट निकलेगा तो इसके डायरेक्शन रेशियो कितने आ चुके हैं टू एंड माइनस एट इसका निकलेगा एम माइनस ट्वेल्व और एलेवन प्लस फाइव एलेवन प्लस फाइव ग्यारह और पाँच कितना होता है सोलह होता है तो चलिए आइए रेशियो रूल बिठा देते हैं तो टू अपॉन एम माइनस ट्वेल्व इक्वल टू माइनस एट अपॉन कितना हो जाएगा सिक्सटीन तो ये कट गया तो माइनस वन अपॉन टू हो चुका है टू का मल्टीप्लाई टू टू जा फोर इक्वल टू माइनस एम और प्लस का ट्वेल्व तो ये कितना हो जाएगा चार माइनस सोलह माइनस का आठ हो जाएगा माइनस का एम तो एम की वैल्यू किसके इक्वल आ रही है एट के इक्वल तो ऑप्शन नंबर थ्री होना चाहिए यस yes, बिल्कुल सही है थ्री होना चाहिए कंडीशन में इन लोगों ने ऐसे ही सॉल्व कर दिए जैसा सोल्यूशन देख लीजिए इसको कोलिनियर के लिए इन लोगों ने पैरालिटी का कंसेप्ट लगाया वही पैरालिटी ही बनती है वन अपॉन एटू इक्वल टू बी वन अपॉन बी टूल टू सी वन अपॉन सी टू चलिए अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है इफ एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के कैपट इज यूनिट वेक्टर एंड एक्स रेशो वाई रेशो जेड इक्वल टू इतना है देन द द वैल्यू ऑफ द जेड देखिए इसमें एक्स और वाई जेड का रेशियो दिया गया तो आप एक काम करिए आप इसको के मान लीजिए और के लगा करके आपके पास जो ओरिजिनली वेक्टर बन जाएगा क्या बन जाएगा अंडर रूट थ्री के प्लस टू के प्लस थ्री के और ओके okay, और इस ये अपने पास में इसके मतलब कोफ़िशेंट बन जाएंगे अंडर रूट थ्री के और यदि आप इसका मैग्नीट्यूड लोगे क्योंकि यूनिट वेक्टर वैक्टरन के इक्वल है तो दिस स्क्वायर दिस इक्वल्स टू कितना हो जाएगा वन हो जाएगा इसको सॉल्व कर लीजिए इसकी मेथड देखिए ये बोले बोला गया है ये यूनिट वेक्टर है ये इसके मै ये इसके रेशियोज़ दिए गए हैं डायरेक्शन रेशियोज़ एक्स वाई एंड जेड तो इसको आपने के की फॉर्म में ले लिया है अब एज इट इज़ अ यूनिट वेक्टर सो दिस का स्क्वायर इक्वल टू वन हो जाएगा तो के की वैल्यू कितनी आ गई प्लस माइनस वन बाई फोर तो जेड इक्वल टू अपने पास कितना है थ्री के है सो थ्री इन टू प्लस माइनस वन बाई फोर तो आंसर कितना हो जाएगा प्लस माइनस थ्री बाई फोर ऑप्शन में देखते हैं हमारे पास प्लस थ्री बाई फोर है कि माइनस थ्री बाई फोर एक ही ऑप्शन करेक्ट है करेक्ट आंसर इक्वल टू थ्री बाई फोर चलिए अगला क्वेश्चन ए बी सी डी इज़ अ रेगुलर हेक्सागन विद एट ओरिजिन कह रहा है कि सेंटर इसका ओरिजिन है तो ए डी प्लस ई बी प्लस एफ सी की वैल्यू लेमडा ई डी है तो लेमडा की वैल्यू आपको फाइंड करनी है तो ऐसे क्वेश्चन में देखिए आपके पास में क्या है पूरी की पूरी चीज़ आपको ई डी के फॉर्म में लेकर के आनी पड़ती है और आपको लेम्डा मिल जाएगा अच्छा क्वेश्चन है ज्योमेट्री का क्वेश्चन है गुड क्वेश्चन कह सकता हूँ मैं आइए इसको सॉल्व करते हैं तो ये देखिए आपके पास एक हेग्जा बना लीजिए देखिए आपके पास ये हेक्सागन है ओके आपके पास ए डी ई बी एफ़ सी तो ए डी देखिए कहाँ से कहाँ जा रहा है ये आपका ए डी जा रहा है ओके ई बी कहाँ से कहाँ जा रहा देखिए ए डी प्लस ई बी प्लस एफ़ सी ई बी कहाँ जा रहा है देखिए आपका ई बी ई बी आपका यहाँ से लेकर के यहाँ तक का बनेगा ई बी आपका यहाँ से लेकर के यहाँ तक का बनेगा ओके इसको यदि मैं ज्वाइन कर देता हूँ तो ये देखिए ई बी यहाँ से लेकर के यहाँ तक का बनेगा ओके एंड एफ सी देखिए कहाँ से कहाँ तक का बनेगा एफ सी जो है वो यहाँ से ले करके यहाँ तक का बनेगा अब कह रहा है ए डी प्लस ई बी प्लस एफ सी इक्वल टू लेमडा ई डी मतलब पूरी पूरी जिम्मेदारी आपको ई डी के टर्म्स में लेके आनी है okay, ये देखिए ई डी है ओके आइए देखें कैसे करते हैं तो ए डी प्लस ई बी प्लस एफ सी देखिए ए डी किधर बैठा है ये बैठा हुआ है तो ए डी को मैं क्या लिख सकता हूँ देखिए ये जो ए डी है ये जो ए डी हेक्जा की जो प्रॉपर्टी हुआ करती है हेक्सागन की जो प्रॉपर्टी हुआ करती है ये जो ए डी आपके पास में आ रहा है ए से लेके डी होता है ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट क्या होता है इक्वल हुआ करता है तो ये किसके इक्वल है टू ओ डी के इक्वल है मतलब ए डी जो है ए डी इक्वल्स टू कितना है टू टाइम्स ऑफ ओ डी ए डी जो है टू टाइम्स ऑफ ओ डी के इक्वल है ओके okay? तो एक हमारे पास ओ डी मिल गया है ओके okay, अब अगर हम किस किसी तरीके से हम ओ ई के पास पहुंच जाते हैं तो हमें शायद ई डी मिल जाए तो ए डी ए डी को हमने क्या कर दिया टू टाइम्स ऑफ ओडी ओडी के पास हम पहुंच चुके हैं अब देखिए इसके बाद हमारे पास क्या है हमारे पास ई है ई बी देखो कहाँ भाई साहब ये ई हमारे पास है तो ई को हम क्या लिख सकते हैं ये टू टाइम्स ऑफ ई है तो ई को हम लिख सकते हैं ई इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ ई ओके एंड देन इसके बाद एफ़ है देखो एफ सी के इधर बैठा है ये बैठा है एफ़ सी ये एफ़ है ये सी है ध्यान से देखो ये क्या है एफ सी जो है टू टाइम्स ऑफ ई है इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ ई है सपोर्ट में है उसके टू टाइम्स ऑफ ई है अब आप यदि इसको ऐड कर दें अब आप यदि इसको ऐड कर दें ए डी प्लस ई बी प्लस एफ सी आपने ऐड कर दिया तो देखो क्या हो गया टू टाइम्स ऑफ ओ डी प्लस टू टाइम्स ऑफ ई ओके एंड प्लस टू टाइम्स ऑफ़ ई डी ओके टू टाइम्स ऑफ ई डी आपको पूरी पंचायत किस में लेके आनी है ई डी में लेकर के आनी है तो ओ डी और ई ओ को कुछ करना पड़ेगा तो एक काम करो ई ओ को आगे लिख लो तो टू टाइम्स कॉमन ले लो ई ओ प्लस ओ डी और प्लस टू टाइम्स ऑफ ई डी तो देखो ध्यान से ये क्या बन गया ई डी बन गया तो दो बार ई डी एक बार और दो बार ई डी ऑलरेडी गया है तो कितना आ जाएगा लेमडा इक्वल टू फोर मैं कहूँगा ये क्वेश्चन बहुत प्यारा है इसकी प्रैक्टिस करके जाइए धोखेबाज क्वेश्चन है गलतियाँ हो जाती हैं चलिए अगला क्वेश्चन देखिए फोर्टी एट क्वेश्चन गिवेन पी दिया है ए दिया है बी दिया है सी दिया है और पी इक्वल टू इतना दिया है तो एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या होगी ठीक है भाई साहब मतलब आपको आपको जो है पी दिया हुआ है ए दिया है बी दिया है सी दिया है और आपको पी जो फाइनली दिया है एक्स वाई जेड लीनियर कॉम्बिनेशन दिया गया है वेक्टर ए बी सी का और आपसे ए बी सी की वैल्यू पूछी गई है गुड क्वेश्चन चलिए देखिए तो देखने में तो काफ़ी डरावना लग रहा है क्वेश्चन कैसे करेंगे देखिए कंप्लीट पी वेक्टर है पी वेक्टर को आपको एक्स वेक्टर है वाई वैक्टर भी जेड वैक्टर सी की फॉर्म में लिखना है और एक्स वाई जेड की वैल्यू आपको फाइंड करनी है तो p वेक्टर आपके पास में क्या है देखिए p वेक्टर आपके पास में है यहाँ नहीं लिखता हूँ मैं नीचे लिखता हूँ तो बढ़िया लगेगा p वेक्टर आपके पास में कितना देखिए p वेक्टर आपके पास में है थ्री आई वैक्टर प्लस टू जे वैक्टर प्लस फोर के वैक्टर यह आपके पास में p वेक्टर है डन अब इसके बाद में आपको कह रहा कि x वेक्टर a तो x टाइम्स ऑफ वैक्टर a मतलब कि i कैप प्लस जे कैप प्लस वाई वैक्टर बी यानी कि y टाइम्स ऑफ j कैप प्लस के कैप और z वैक्टर c जेड वेक्टर सी जो है मतलब कि जेड टाइम्स ऑफ कितना हो जाएगा आई कैप प्लस के कैप अब यहाँ से तीन इक्वेशन बनाइए आई कैप के कैप जे कैप तो देखिए यहाँ पे कोफ़िशियंट एक्स देगा ओके यहाँ पे ये यह कोफ़िशंट कौन देगा जेड देगा इधर तो कोई नहीं देगा तो एक्स प्लस जेड फिर इसके बाद जे कैप ले लीजिए तो जे कैप में देखिए यहाँ पे कौन कौन देगा एक्स दे देगा वाई दे देगा और फिर के कैप ले लीजिए तो कौन कौन दे देगा वाई दे देगा जेड दे देगा अब देखिए कंपेयर करिए तीन दो चार आई कैप जे कैप के कैप यदि कंपेयर करोगे तो एक्स प्लस जेड की वैल्यू कितनी आएगी थ्री कंपेयर करोगे तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी आनी चाहिए टू और कंपेयर करोगे तो वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी आनी चाहिए आपके पास में चार तो ऑप्शन से भी आप निकाल सकते हो एक्स प्लस जेड की वैल्यू थ्री तो एक्स और जेड पाँच तीन आठ का आधा कितना हो जाएगा चार हो जाएगा नहीं सपोर्ट कर रहा पाँच और एक छः का आधा कितना हो जाएगा तीन हो जाएगा तो ये सपोर्ट कर रहा है फिर इसके बाद जेड और एक्स वाई और जेड का देख लो पाँच तीन आठ का आधा चार और एक्स और वाई को तीन और एक चार का आधा दो तो मेरे ऑन से ऑप्शन बी होगा चेक करते हैं करेक्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है टू है तो डरावना क्वेश्चन लग रहा था बट इट इज़ वेरी इजी क्वेश्चन डायरेक्टली आपने चेक कर लिया आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन बहुत ही कंसेप्टफुल बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है देखिए क्या कह रहा है ए बी सी आर द थ्री नॉन जीरो वैक्टर है तो सबसे पहली बात जो है ए बी सी जो है तीरो ही कैसे वैक्टर हैं जीरो के इक्वल नहीं है ओके एंड नन टू ऑफ देम आर पैरल मतलब कोई भी एक दूसरे के पैरल नहीं है ए पैरल बी के या सी बी पैरल सी के ऐसा कुछ भी नहीं है एंड ए प्लस बी इज कोलिनिया टू सी तो मैं क्या लिख सकता हूँ ए प्लस बी कोलियर अगर सी के तो इट कैन बी रिटर्न ए प्लस बी इक्वल टू लेमडा सी एंड बी प्लस सी जो है वो किसके है इक्वल है इक्विनिया टू ए तो मैं लिख सकता हूँ बी प्लस सी इज़ पैरल टू लेमडा ओके तो कह रहा है ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या होगी आइए इसको सिंपलीफाई करते हैं देखिए किस तरीके से करेंगे हम ए प्लस बी प्लस सी बनाएंगे तो ए प्लस बी प्लस की वैल्यू किसके इक्वल है लैम्डा सी के इक्वल है तो देखिए किस तरीके से सॉल्व होगा ये क्वेश्चन से देखिए सेंस ए प्लस बी कोलिनिया टू सी एंड बी प्लस सी कोलिनिया टू है since, since A plus B B plus A, तो ए प्लस बी इक्वल टू कितना हो जाएगा लैम्डा सी एंड बी प्लस सी इक्वल टू म्यू वैक्टर है वेयर लैम्डा एंड म्यू आर द स्केलर हाँ कोई कॉन्स्टेंट होंगे बिकॉज पेनल्टी का रूल लगता आप जानते होंगे सो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू देखा जाए तो ए प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा यदि मैं सॉल्व करता हूँ ए प्लस बी प्लस सी आपके पास ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है लेमडा सी प्लस सी इक्वल टू जीरो सॉरी वेट 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 ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू यदि मैं निकालूंगा तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू लेमडा सी प्लस सी दैट इज इक्वल टू लेमडा प्लस वन टाइम्स ऑफ सी और दूसरा अगर मैं ए प्लस बी प्लस सी निकालूंगा देखो ध्यान से तो बी प्लस सी की वैल्यू किसके इक्वल है म्यू प्लस ए के इक्वल है तो यहाँ से ए और ब्रैकेट में कितना आएगा म्यू ए प्लस आ, म्यू म्यू ए आ जाएगा ओके दिस इज इक्वल टू यस म्यू ए तो ये क्या बन जाएगा ए कॉमन लेने के बाद मेरे पास क्या बन जाएगा वन प्लस म्यू तो देखो मेरे पास दोनों वैल्यूज इक्वल आ रही हैं ए प्लस बी प्लस सी की एक सी के टर्म्स में और एक ए के टर्म्स में है तो मैं लिख सकता हूँ क्या लिख सकता हूँ कि लेमडा प्लस वन टाइम्स ऑफ सी इक्वल टू म्यू प्लस वन टाइम्स ऑफ ए जिससे मेरे पास सी की वैल्यू इन द टर्म्स ऑफ ए आ चुकी है देखो मतलब सी इक्वल टू सम टाइम्स ऑफ ए इसका मतलब क्या हो गया सी जो होगा <coughs> इसके पैरेलल होगा सी जो होगा ए के क्या होगा पैरेलल होगा अब सी आपको पता है कि कोई भी दो वेक्टर पैरेलल नहीं है तो इसका मतलब या तो ये कॉन्स्टेंट ज़ीरो कर दो ओके okay. क्या कर दो कांस्टेंट जीरो कर दो अगर कांस्टेंट जीरो करोगे तो ऊपर वाला जो पार्ट है म्यू प्लस वन अपॉन लेमडा माइनस वन लेमडा प्लस वन तो म्यू प्लस वन इक्वल टू जीरो हो जाएगा अगर म्यू प्लस वन आपने जीरो कर दिया तो म्यू इक्वल टू कितना है माइनस वन तो ऑप्शन में देखते हैं क्या म्यू के टर्म्स में कोई ऑप्शन है ए प्लस बी के टर्म्स में ऑप्शन पूछा गया है बट एक चीज़ देखो यहाँ पर हमको ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू बतानी है अगर इस केस में मैं म्यू की वैल्यू म्यू प्लस वन को यदि मैं ज़ीरो करता हूँ ओके okay, क्योंकि देखो सी ए के पैरेलल हो नहीं सकता है तो म्यू प्लस वन को यदि मैं जीरो करता हूँ तो मेरे पास वेक्टर सी कितना आ जाएगा जीरो जो कि पॉसिबल नहीं क्योंकि क्वेश्चन में शुरू में ही दे रखा है कि कोई भी वेक्टर ज़ीरो के इक्वल नहीं है तो फिर मेरे पास दूसरी कंडीशन क्या बनती है मेरे पास दूसरी कंडीशन ये बनती है कि मेरे पास जो आया है टर्म आया है कौन सा टर्म आया है एक मिनट जी यस मेरे पास जो टर्म आया है आपके पास में ये वाला लेमडा प्लस वन टाइम्स ऑफ सी इक्वल टू म्यू प्लस वन टाइम्स ऑफ ए तो यहाँ से सी इक्वल टू म्यू प्लस वन अपॉन लेमडा प्लस वन आया है जो ए इन टू ए मैं यहाँ पे लेमडा की वैल्यू अगर माइनस वन ले लूँ ओकेमडा की वैल्यू यदि मैं माइनस वन ले लूँ तो सी अगर आप कुछ भी लेते हो इसके अलावा तो सी और एक को लीनियर हो जाते हैं बट लेमडा की वैल्यू माइनस वन लेने पर नॉट डिफाइंड जोन में चला जाएगा जो कि कह नहीं सकते हैं कि कोलिनियर तो इस केस में आपने लेमडा की वैल्यू कितनी ले ली है माइनस वन तो आइए लेमडा की वैल्यू आपने माइनस वन ले ली है तो पुट करते हैं ए प्लस बी प्लस सी में तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना था लेमडा सी प्लस सी तो लेमडा की वैल्यू अगर आप माइनस वन पुट करोगे तो ये माइनस वन पुट करने पर ये टर्म और ये टर्म क्या हो जाएगा कैंसिल सो ए प्लस बी प्लस सी कितना आ जाएगा ज़ीरो हो जाएगा चेक करते हैं जीरो है क्या फोर्थ नंबर ऑप्शन में वेट 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 यस yes, तो ऑप्शन में करेक्ट है जीरो तो ये बहुत ही एडवांस लेवल का क्वेश्चन है इसमें थोड़ी सी ट्रिक लगी हुई है ओके okay, कंसेप्ट लगे हुए हैं तो देखिए अगला जो क्वेश्चन है ऐसा क्वेश्चन शायद अभी अभी हम करके आए हैं ओके देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर फिफ्टी ये कह रहा है इफ़ ए इज इक्वल टू इतना बी इक्वल टू इतना सी इक्वल टू इतना देन यूनिट वैक्टर पैरल टू ए प्लस बी माइनस सी बट अपोजिट डायरेक्शन तो भाई बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है आप दोनों का वैक्टर निकाल लो और फिर उसके बाद क्या कर दो अपोजिट डायरेक्शन में माइनस कर दो ती एड करके सब ट्रैक करके वट एवर जो भी है वैक्टर निकाली और उसको माइनस प्लस कर दीजिए जो होना होगा हो जाएगा वो आंसर आ जाएगा ओके सो डन ये भी इजी क्वेश्चन था ओके okay, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इफ ए बी सी डी ई इज अ रेगुलर हेक्सागन विद ए बी इक्वल्स टू ए और बी सी इक्वल्स टू बी तो दो वेक्टर की जानकारी हमें दी गई है और आपसे सीई है क्वेश्चन को अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए डायग्राम बनाइए ये देखिए आपके पास में वेक्टर दिया गया है ए बी इक्वल्स टू ए दिया गया है बी सी इक्वल्स टू आपके पास क्या दिया गया है बी सी आपके पास दिया गया है बी और आपको बोला गया है कि सी ई आपको बताना है देखिए सी ई कहाँ बैठा हुआ है ये बैठा है ये सी ई आपको बताना है तो सी ई जानने के लिए सबसे पहले देखिए आप पहुँचिए कहाँ तक ए तक अब ए आपको समझ में आ रहा है कि भाई ए जो होगा वो क्या होगा ए प्लस बी होगा तो ए सी इक्वल टू ए प्लस बी ओके एन ए डी इक्वल टू क्या हो जाएगा टू टाइम्स ऑफ बी हो जाएगा तो ए डी इक्वल टू हो गया कितना टू टाइम्स ऑफ बी अब देखिए सी डीज का अप्रोच करिए सी डी क्या होगा आप जानते हैं कि ए सी प्लस सी डी इक्वल टू होता है ए डी तो ए सी प्लस सी डी इक्वल टू होता है ए डी और ए सी की वैल्यू आपने कितनी निकाली है ए प्लस बी सी डी पता नहीं है और ए डी कितना है टू बी तो सी की वैल्यू कितनी आ गई बी माइनस ए सी की वैल्यू कितनी आ गई बी माइनस ए अब आपको क्या चाहिए सी ई आपको क्या चाहिए सी ई क्लियर है कि सी डी प्लस डी ईके सी डी प्लस कितना हो जाएगा डी ई इक्वल टू कितना हो जाएगा सी ई तो सी डी प्लस डी ई तो सी ई इक्वल टू सी डी प्लस डी ई सी ई इक्वल टू सी डी प्लस डी ई ये है देखिए सी डी अभी अभी आपने निकाला है ओके सी डी की वैल्यू कितनी निकाली ये निकाली सी डी की वैल्यू बी माइनस ए तो ये निकल गई बी माइनस ए और डी ई -E कितना निकलेगा भाई साहब डी ई -E निकलेगा माइनस ए पीछे की तरफ है तो डी ई -E कितना निकलेगा माइनस ऑफ ए तो ये आंसर कितना आ जाएगा बी माइनस टू ए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन इजी वन डन ये क्वेश्चन भी हो गया ओके देखिए अगला क्वेश्चन देखिए इफ द पोजिशन वैक्टर ऑफ ए बी सी आर रिस्पेक्टिवली आपके पास टू आई केप माइनस जे के प्लस पे केप के कैप आई केप माइनस थ्री जे केप प्लस फाइव के कैप एन ये लिया गया आपको कॉस स्क्वायर ए फाइंड करना है तो यहाँ पे टिग्नोमेट्री लगेगी कॉस ए का फॉर्मूला लगेगा कॉस इक्वल टू कितना होता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन कितना होता है टू बी सी इसके लिए आपको सबसे पहले ट्रैंगल के वर्टेक्स बनाने पड़ेंगे ट्रैंगल के वर्टेक्स यदि ए बी सी के पोजिशन वैक्टर मतलब ये वर्टेक्सी है तो टू माइनस वन वन और वन माइनस थ्री एंड माइनस फाइव एंड थ्री माइनस फोर एंड माइनस फोर ये आपके पास है ए बी सी के वर्टेक्स आपको दिए गए हैं ये ए हो गया ये बी हो गया ये सी हो गया तो देखिए आपको यदि इनका एंगल ए निकालना है तो इनके सामने की साइड्स आपको निकालनी पड़ेंगी तो इसके साम यदि मैं इसकी साइड निकालने की कोशिश करूँ देखिए ए से लेके बी तक की साइड तो टू माइनस वन का स्क्वायर वन का स्क्वायर वन हो जाएगा माइनस वन माइनस थ्री कितना हो गया माइनस वन माइनस माइनस थ्री तो माइनस वन प्लस थ्री हो गया जो कि हमारे पास कितना हो गया माइनस वन प्लस थ्री देख लीजिएगा कॉर्नर गलत मत लिखना नहीं गलती हो जाएगी माइनस वन प्लस थ्री कितना हो गया अपने पास में टू हो गया ओके okay, टू का स्क्वायर कितना हो गया फोर एंड माइनस वन और माइनस माइनस फाइव तो माइनस वन माइनस माइनस वन प्लस फाइव दैट इज इक्वल टू थर्टी सिक्स तो ये कितना आया अपने पास अंडर रूट फोर्टी वन ऐसे आप ये वाली साइड निकाल लो ये साइड निकाल लो ये साइड निकाल लो ओके यार इसके बाद आप फॉर्मूला क्या लगा दो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्यर माइनस ए स्क्वायर अपॉन टू बी सी तो आपके पास आंसर आ जाएगा अब यहाँ पर आपको जो सल्यूशन दिया गया है उसमें एक्चुअली आपको आंसर गलत मिल रहा है या ये कह लो कि क्वेश्चन की फ्रेमिंग गलत है इसमें इस क्वेश्चन को लिखना था इफ द साइड्स ऑफ इफ़ द साइड्स ऑफ ट्रायंगल ए बी सी यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर डायरेक्टली इसने इनके साइड्स uh, के लेंथ निकालनी ले। जैसे यहाँ देखो टू आई केप माइनस जे के प्लस के कैप का यदि आप लेंथ निकालोगे तो फोर प्लस वन प्लस वन दैट इज इक्वल टू अंडर रूट सिक्स तो भैया अंडर रूट सिक्स जब आपने डायरेक्टली लिया है आपने ओ ए का डायरेक्टली वैल्यू लिया है अंडर रूट सिक्स तो इसका मतलब ये साइड की लेंथ नहीं हुई ये तो पोजिशन वैक्टर है ना ये तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में उसका मैग्नीट्यूड हो गया तो यहाँ पर जो क्वेश्चन का सलूशन दिया गया है इस पर्टिकुलरली क्वेश्चन में गलत है तो मेरे हिसाब से इसमें नन ऑफ दीज आंसर आएगा मतलब कोई आंसर शायद आपका सपोर्ट ना करे या करेगा भी तो आपको फाइंड कर लो साइड्स निकाल लो तीनों साइड्स निकालने के बाद आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा डन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 53 थ्री पे कह रहा है इफ द पॉइंट्स विद पोजीशन वेक्टर दिस दिस एंड दिस आर कोलिनियर तो बिल्कुल बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है दो पॉइंट के पोजिशन वैक्टर दिए गए तो डायरेक्शन रेस रेशियोज़ बनाकर के ए वन अपॉन ए टू इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू की कंडीशन लगा दीजिए तो आपके पास में आंसर आ जाएगा जो अननोन कॉन्स्टेंट है यहाँ पे फिलहाल ए है तो ए की वैल्यू माइनस फोर्टी आ जाएगी अब इसको क्या निकालना आप लोग सॉल्व कर लो चलिए देखिए अगला क्वेश्चन देखिए द वेक्टर ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है द वेक्टर आई कैप प्लस एक्स जे कैप प्लस थ्री के कैप इज रोटेटेड थ्रू एन एंगल थीटा एंड डबल्ड इन मैग्नीट्यूड तो भाई डबल करने के बाद इसका मैग्नीट्यूड ही आ रहा है अब देखो चाहे आप वेक्टर को रोटेट करो कुछ भी करो शिफ्ट कर दो तो फर्क नहीं पड़ता है बट आप उसका मैग्नीट्यूड डबल करोगे तो मैग्नीट्यूड डबल हो जाएगा मतलब क्या है इस वैक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा इस वाले का क्या होगा डबल होगा मतलब यू कैन से टू टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप प्लस एक्स जे कैप प्लस थ्री के कैप दैट इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ फोर आई प्लस फोर एक्स माइनस टू प्लस टू के कैप तो इसको ऐसे सॉल्व करेंगे हम देखिए टू टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू बाद वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो इसको सॉल्व कर लीजिए कंप्लीटिंग द स्क्वायर करके एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए एक्स इक्वल टू टू कॉमा माइनस रूट टू बाई थ्री आ जाएगा डन ओके तो यहाँ ही हम अपनी क्लास को स्टॉप करते हैं काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन हमने करे हैं वेक्टर से रिलेटेड प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो गई है उम्मीद करेंगे कि आप इन प्रश्नों को लगाएंगे और बेहतर लगे तो कमेंट बॉक्स में अपने बहुमूल्य सुझाव जरूर हमें प्रेषित करिएगा हमसे जुड़े रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद जय भारत